وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. सबसे पहली बात जो अब इस नशस्त में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वो ये कि आप अगर बातिल को पहचानना चाहते हैं या बातिल मनहज को पहचानना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका ये कि आप सही मनहज को पहचान लें, इसलिए कि सच्चाई एक है, हक एक है, सही मनहज एक है। इसके मुकाबले में गुमराहियां बेशुमार हैं, बहुत सारी हैं। आप अगर गुमराहियों को पहचानने के पीछे निकलेंगे तो फिर जाहिर बात है उसकी कोई इंतहा नहीं, और हर दौर में गुजरते जमाने के साथ नई नई गुमराहियां वजूद में आती हैं, नए नए अंदाज में गलत मनाहिज वजूद में आते रहते हैं। तो आप अगर सही की पहचान कर लेंगे तो जो उस सही से जुदा होगा, उस सही से हटेगा, वो गुमराही होगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत आम बहुत सादा अल्फाज में इस बात को बताया। अल्लाह ने कहा फमाज़ा बादल हक इल्ला वलाल, भाई अगर हक है तो हक से हटने के बाद गुमराही के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। तो आप अगर हक की पहचान कर ले, सही मनहज को अगर पहचान लेते हैं तो आपको खुद ब खुद बातिल मनाहिज की पहचान हो जाएगी। आप इस्लाम को अगर सही अंदाज में पहचान लेंगे तो जो इस्लाम से मुताबकत नहीं रखता वो गुमराही है। अब आपको हर मजहब, हर दीन और हर फिक्र, हर कल्चर, हर तहजीब की नई नई बातें पूरी सीख कर उसे अपने तौर पर सही और गलत पहचानने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप इस्लाम को पहचान ले। अल्लाह ने यही कहा ना, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के पास बिला शुबा दीन जो है वो इस्लाम है। और उसके बाद अल्लाह ने दूसरी आयत में एक आम ज़ाबिता बता दिया का वमन यब्तगी गैर अल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम के अलावा किसी भी रास्ते को दीन समझता है, उसको अपनाए और उसको दीन के तौर पे कबूल करना चाहे, अल्लाह ताला के पास वो कबूल नहीं किया जाएगा। वो क्या क्या है, लोग किस किस चीज को दीन के तौर पे मानते हैं, उसकी तफसील की आपको जरूरत नहीं। आप इस्लाम को पहचान ले, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तो इस्लाम की पहचान हो जाने के बाद जो इस्लाम नहीं है वो दीन नहीं है, आपके लिए इतना ज़ाबिता काफी है। तो ये बुनियादी एक कायदा हमेशा याद रखें कि बातिल को पहचानने के लिए बातिल के पीछे दौड़ने से ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप हक की पहचान मुकम्मल करें अपनी। आप हक की पहचान अगर सही कर लेंगे, सही पहचान ले आएंगे तो कुरान में अल्लाह ताला ने यही ज़ाबिता दिया है आपको, क्या फमादा बादल हक इल्ला दलाल, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कहने के बाद कहा वमन यब्तगी गैर अल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन। तो आज जब हम यहाँ इस मौजू पर बात कर रहे हैं कि बातिल मनाहिज की पहचान और मैदान दावत में इसकी अहमियत, तो बातिल मनाहिज की पहचान के लिए हम इसी जाबिते पे चलेंगे कि सही मनहज की पहचान हम पहले ले लेंगे। अगर सही मनहज की पहचान हमारे अंदर आ जाएगी तो फिर उसके बाद इससे इनहराफ, इससे हटना, इसकी तरफ से माइल होना, ये गुमराही हो जाएगी। इसीलिए आप एक लफ्ज अक्सर व बेशतर सुनते हैं, सुन्नत और बिदअत, सुन्नत और बिदअत, ये आप सुनते ही रहते हैं और सब तकरीबन उलमा की गुफ्तगू में आता है, अवामुन्नास की जबान पे लफ्ज आता है। सुन्नत कहते हैं ऐसा रास्ता जो कोई पहले चलकर आपने पीछे अलामतें निशानियां छोड़कर जा चुका है, एक रास्ता जिस रास्ते पर कोई आपसे पहले चला है और उसके आगे बढ़ जाने के बाद वो रास्ता पीछे उसकी निशानियां वाजे हैं, मुतय्यन रास्ता है। अब इस्लाम ने एक बात बता दी कि जो आदमी सुन्नत के मुकाबले में नई चीजों के पीछे पड़ेगा वो बिदअत है,
यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतय्यन करदा रास्ते से हटकर कोई नई चीज लेना चाहेगा वो बिदअत है। और बिदअत के बारे में कह दिया कुल्लु बिदअतिन वलाला, हर बिदअत गुमराही है। तो ये एक आम शरीयत इस्लामिया का जाबिता है, उसूल है कि आप हक को पहचान लें बातिल वाज़े हो जाएगा, सुन्नत को पहचान लें बिदअत मुतय्यन हो जाएगी, इस्लाम को पहचान लें कुफ्र की पहचान खुद ब खुद हो जाएगी। ये जो चीज़ है ये ज़ाबिता, इसको हमको याद रखना चाहिए। अक्सर व बेशतर लोग एक काम करते हैं, मैं मिसाल के तौर पर कोशिश करता हूँ कि मैं शुबहात इस्लाम पर कितने उठाए गए मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। अब उसके लिए आदमी खूब मेहनत करता है, नहीं आपको उस पर मेहनत करने से ज़्यादा इस्लाम की सही समझ पर आपको मेहनत करना चाहिए। जिस दिन आपको इस्लाम की सही समझ आ जाएगी, इस्लामी अहकाम को जैसा का वैसा आप समझ लेंगे, फिर हर शुबहे का जवाब देना अल्लाह की तौफीक के बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। तो तरीका हमेशा यही होना चाहिए, याद रखें कि हम बातिल मनाहिज की पहचान की जब बात करते हैं तो सही मनहज की पहचान हमें होनी चाहिए। अब जब सही मनहज को हम पहचान लेंगे तो फिर बातिल मनाहिज की पहचान खुद ब खुद मुतय्यन हो जाएगी। बात वाज़े है ना ये आपके सामने, ये पहला मसला वाज़े है आपके सामने, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए हम बात शुरू करते हैं कि दावत इल्लाह के मौजू से हमारे इस उन्वान का क्या ताल्लुक है, बातिल मनाहिज की पहचान इसका हमारे अपने जो, इसलिए कि दावत के नाम पर दावती दौरा है, दावत इल्लाह के नाम पर यह दौरा मुनाकिद हुआ है और यहां जो भी मौजू होगा उसका दावत से बराह रास्त ताल्लुक है। तो हम यही समझते हैं कि ये बातिल मनाहिज का जो उन्वान है इसका हमारे इस मौजू दावत इल्लाह से क्या ताल्लुक है। आप इंशाअल्लाह पढ़े हैं, हो सकता है दर्स हो चुके हों या हो सकता है आइंदा दुरूस में आएगी ये बात कि दावत इल्लाह का जो काम है इसके तीन अरकान हैं, या बाज़ अहले इल्म कहते हैं चार अरकान हैं। दावत इल्लाह के तीन अरकान हैं या बाज़ अहले इल्म कहते हैं चार, यानी तीन या चार अरकान हैं। क्या क्या है दावत, लिख लीजिए आप, ये आपको याद रहना चाहिए हमेशा, दावत। दूसरा है दाई। तीसरा है मदऊ। और चौथा है वसाइले दावत। वसाइले दावत, दावत, दाई, मदऊ, वसाइले दावत। मैं इसकी वजाहत करूंगा आपके सामने, ये चार कलिमात आप लिख लेंगे तो आपके सामने समझ में आएगा कि आपका जो उन्वान है वो क्या है। दावत, दाई, मदऊ, वसाइले दावत। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, बड़े से बड़े दाई से मुलाकात करके आप उनके तजर्बात से फायदा उठा लीजिए, या छोटे से छोटे किसी दर्स में आप बैठिए, दावत के मौजू पे जितनी भी गुफ्तगू होगी ना इन्हीं चार बुनियादी टॉपिक से जुड़ी होगी, रिलेटेड होगी, चार में से किसी एक से ही उसका ताल्लुक होगा, इससे बाहर कोई टॉपिक नहीं रहेगा आपके सामने। ये चार ही असल में पूरी दावत का जो टॉपिक है, दावत इल्लाह का जो टॉपिक है, हत्ता के मुसलमानों में हो गैर मुस्लिमों में हो सबके लिए यही चार बुनियादी मसले हैं। अब यहाँ एक मसला मैं बता दूं, ये तीन या चार जो कहते हैं उसके पीछे असल में इंशाल्लाह जब आप में से जो उलमा हैं वो जानते हैं, और आप अगर अभी नए नए दावत के मैदान से जुड़े हैं तो बाद में बात वाज़े हो जाएगी। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि वसाइल की हैसियत रुकन की नहीं है, हाँ वो दावत की एक ज़रूरत ज़रूर है लेकिन वो रुकन के दर्जे में नहीं है। लेकिन दावत का काम अंजाम पाने के लिए ये तीन चीज़ें कम से कम ज़रूरी हैं, एक है दावत, दूसरा है दाई, और तीसरा है मदऊ। दाई कौन है? अल्लाह की राह की तरफ बुलाने वाला, दावत देने वाला। अब इस उन्वान के तहत बहुत सारी बातें आएंगी, मिसाल के तौर पर दाई को कैसा होना चाहिए, इल्म कितना होना चाहिए दाई के पास, सिफात क्या क्या काबिलियतें खसूसियतें दाई के अंदर होनी चाहिए वगैरह। पूरी दाई यानी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाली शख्सियत या फर्द, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं शरीयत के एतबार से, दीन के एतबार से बुनियादी ज़रूरतें क्या क्या हैं, क्या क्या तैयारी उसे होनी चाहिए दाई को किस किस एतबार से, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। आप बोलें उसे राइटर अच्छा होना चाहिए अगर वो कलम से दावत का काम करना चाहता है, अगर वो अपनी ज़बान से दावत का काम करना चाहता है तो उसे ज़बान पर कंट्रोल होना चाहिए, तैयारी आदमी की होनी चाहिए।
आप ये भी कह सकते हैं कि जिस जबान में बात कर रहा है, कौम को बुला रहा है, उस जबान पर उसे अबूर होना चाहिए। आपके अपने इलाके के हिसाब से, यहाँ तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, या शमाली हिंद में हिंदी या मराठी, किसी भी जबान के अंदर मुकामी जबान, ये सारी जो है दाई से मुतालिक बातें हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है मदऊ, यानी जिसे आप बुला रहे हैं, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। वो कई किस्म के हो सकते हैं, वो मुशरिक हो सकता है, बुतपरस्त, वो क्रिश्चियन हो सकता है, ईसाई, वो यहूदी हो सकता है, या वो जो है हिंदुस्तान के हिसाब से सिख हो सकता है, जैन हो सकता है, या फिर हिंदुस्तान के हिसाब से आप ले लें, पूरी दुनिया के हिसाब से मुलहिद हो सकता है, जिसको नास्तिक कहते हैं, बेदीन, जो कोई किसी दीन को नहीं मानने की बात करता है। तो ये मदऊ कहते हैं हम इसे, जिसे हम दावत दे रहे हैं। और ऐसे भी हो सकते हैं जो बस गुमराह हैं, उनको खुद नहीं मालूम कि उनका दीन क्या है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, उनको अपना दीन भी मालूम नहीं कि उनका दीन क्या है, बस वो गुमराह हैं। तो मदऊ जब कहते हैं तो वो मदऊ और मदऊ से मुतालिक मसाइल, इनसे वाकिफियत आपकी होनी चाहिए। और इन दोनों से ज्यादा अहम है दावत। दावत किसको कहते हैं? पैगाम जो आप सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं। दावत, दाई, मदऊ, वसाइल दावत, वसीला कहते हैं जरिया। आप जो वसाइल इस्तेमाल करते हैं, जो जरिया इस्तेमाल करते हैं, वसाइल दावत कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा, कलम के जरिए या फिर जबान के जरिए, और जबान में भी आप लेक्चर के जरिए भी हो सकता है, डिबेट के जरिए हो सकता है, मुनाजरा कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, या आप किसी आदमी को पकड़ कर तन्हाई में बैठ कर बात कर रहे हैं, ये सारे वसाइल दावत में आने वाली चीज़ें हैं। तो चार बातें हैं, चार चीज़ें हैं जिनको दावत के मौजू का खुलासा कहते हैं, निचोड़ कहते हैं, या चार अरकान कहते हैं। दावत है, दाई है, मदऊ है, और वसाइल दावत है। ये समझ में आ रही है बात आपके? समझ में आ रही है बात? ये आगे बढ़ूं? ठीक है। अब इसमें से सबसे अहम चीज है दावत इल्लाह। इन चारों में अगर आप बात करेंगे, सबसे अहम चीज है दावत, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना है। तो वो जो पैगाम आप सामने वाले को देते हैं, जो बात सामने वाले को समझाते हैं, ये दावत है। दूसरे अल्फाज में, आप इस्लाम के मुबल्लिग हैं तो इस्लाम दावत है, इस्लाम ही दावत है जो आप दे रहे हैं। आप तो इस्लाम की सबसे अहम तालीम तौहीद समझा रहे हैं, तो ये तौहीद आपकी दावत है। यानी आपका मैसेज, आपका पैगाम जो आप अपने मदऊ के सामने रख रहे हैं, ये दावत है। इसी को हम जो है दावत कहते हैं। यहां ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, याद रखें कि आपको सबसे पहले यह बात मालूम होनी चाहिए कि आप अगर दाई हैं तो दावत की पहचान आपको सबसे पहले होनी चाहिए कि दावत है क्या। अगर आप इस्लाम सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं तो इस्लाम पहले आपकी समझ में आना चाहिए। आप तौहीद सामने वाले को समझा रहे हैं, तौहीद आपकी समझ में पहले आनी चाहिए। आप रिसालत सामने वाले को समझा रहे हैं, रिसालत का सही मफहूम आपके सामने पूरी तरीके से होना चाहिए। आप जो पैगाम दे रहे हैं, वो पैगाम सबसे पहले आपके पास वाजे होना चाहिए, यानी आपके अंदर दावत की पहचान होनी चाहिए, दावत की मारिफत, दावत की पहचान होनी चाहिए और मुकम्मल होनी चाहिए। मुकम्मल इस माने में कि जो पैगाम आप दे रहे हैं, वो पैगाम सबसे पहले आपके जहन में साफ है। क्यों? इसलिए कि अरबी में कहा जाता है और ये सारी दुनिया मानती है, कहते हैं फाकिदु शय इला युती, आदमी के पास कुछ होगा तो वही ना देगा। आप देने के लिए तैयार हो गए लेकिन जेब में आपके पास कुछ नहीं तो आप देंगे क्या? आप सदका व खैरात करने के लिए निकल पड़े लेकिन जेब में आपके पास है नहीं कुछ, तो आप क्या देंगे सामने वाले को? तो आपकी जेब में वो होना चाहिए जो सामने वाले को आप देना चाहते हैं। तो मैदान दावत में जब हम बात करते हैं दावत इल्लाह की, तो अब मान लीजिए आप सभी भाई हैं, आप सबके अंदर अल्लाह के फजल करम की तौफीक से दावत का जज्बा है, शौक है, और इसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप सब छोड़ छाड़ कर दौरे में शरीक हुए हैं। क्या ये काफी है? क्या ये काफी है? इसलिए कि आप वही हैं जिसके अंदर खर्च करने का शौक है, लेकिन खर्च करने के लिए उसकी जेब में पैसा है कि नहीं उसको देख लेना चाहिए सबसे पहले अपने आप के बारे में। मैं देना चाहता हूं लोगों को, और देने का जज्बा, सब तारीफ करेंगे,
लेकिन अगर कोई आदमी सिर्फ देने का जज्बा लेकर गुरबा को मसाकीन को इकट्ठा कर ले और फिर देने के लिए जेब में हाथ डाल के खाली हाथ निकाले तो लोग क्या कहेंगे, ये तो जो है मजाक हुआ गरीबों के साथ, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ हुआ। तो एक दाई को भी एक सीधी सी बात यह समझनी चाहिए कि आप अगर दावत का काम करना चाह रहे हैं तो आपके पास दावत की मारिफत, दावत की पहचान, पैगाम से वाकिफियत होनी चाहिए। यह बहुत अहम मसला है, इसके बगैर आप दाई नहीं हो सकते। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैदान दावत से आपकी तरह हमारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जितना ताल्लुक है उसकी रोशनी में हम ये देखते हैं कि हमारे अपने नौजवान भाइयों के अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि दावत का शौक पैदा होता है और मैदान में आते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई होनी चाहिए। लेकिन वहीं उतनी ही ज्यादा जो है परेशान कुन बात हमारे लिए ये है कि वो चाहते हैं कि महज शौक के सहारे दावत का काम करते रहें। यानी क्या सरमाया है आपके पास, मुझे शौक है दावत का काम करने का, क्या ये काफी है? ये मसला असल में समझने की जरूरत है कि दावत इल्लाह के मौजू पे जब हम बात कर रहे हैं तो हमें दावत की पहचान होनी चाहिए। जब शौक है तो शौक को पूरा करने के लिए जो तकाजे हैं वो तकाजे पूरे करने चाहिए। आपको और मुझको अगर शौक है मैं दावत इल्लाह का काम करना चाहता हूं, गलत नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। इस दौर में जब नौजवान जो है अय्याशी में, फहाशी में, खेल कूद में, आइडियलिज्म में, कोई किसी को आइडियल मान के सब दूसरी दुनिया में जी रहे हैं, आप अगर दावत के शौक में आगे बढ़ते हैं आप बहुत काबिल कदर लोग हैं। तो आप ये बात देखें, दुनिया का हर शौक कुछ तकाजे हैं, हर शौक को आप पूरा करना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। दुनिया का कोई शौक मुफ्त में पूरा नहीं होता, इब्तिदा में हो सकता है इक्का दुक्का हो जाए, लेकिन शौक अगर शदीद हो तो हर शौक कुर्बानी चाहता है, मेहनत चाहता है, सब कुछ चाहता है। वैसे ही दावत इल्लाह का मामला है कि आपका ये शौक बहुत ही काबिल कदर है और आप उन सब भाइयों के मुकाबले में बड़े ही अच्छे लोग हैं कि इस गई गुजरी हालत में जब लोग दुनियादारी में, दुनिया की लज्जतों में डूबना पसंद करते हैं, जवानी की उम्र में आप दावत के मौजू को मुंतखब करके मेहनत करना चाहते हैं, आपका शौक काबिल कदर है। लेकिन आपको समझना यह है कि आप दाई उस वक्त हैं जब आप दावत को समझें, महज शौक की बुनियाद पर आप दाई नहीं हैं। आप शौक की बुनियाद पर दावत से जुड़ रहे हैं, आप दाई उस वक्त हैं जब आपके पास दावत हो, यानी पैगाम आपके पास होना चाहिए। यहां मैं एक मसला सबसे पहले वाजे करना चाहता हूं, सबसे पहले यह मसला वाजे करना चाहता हूं। देखिए, इस मौजू पर जब बात होती है तो मैदान दावत में आपको भी यह सवाल किया जाएगा और आप बहुत सारे लोग पहले से जानते हैं कि आदमी को कितना इल्म होना चाहिए दावत के मैदान में, कितना, कि आलिम होना जरूरी है या फिर ये कि आदमी दावत इल्लाह के मौजू पर ऐसे ही काम कर सकता है। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, इसमें इफरात व तफरीत है, यानी कोई बहुत ज्यादा इस मसले को बड़ा कर ले गया तो कोई बहुत ज्यादा उसमें कमी का शिकार। देखिए, बुनियादी बात आप ये ज़ाबिता याद रख लें, जो बात आप समझा रहे हैं उस बात का आपको इल्म होना चाहिए, जो बात आप समझा रहे हैं उस बात का इल्म आपको होना चाहिए। एक चीज है आपको आलिम होना चाहिए और एक चीज है जो बात आप बता रहे हैं उसका आपको इल्म होना चाहिए। लोग इस पर हो सकता है आपसे बात करें कि आलिम होना चाहिए तो लोग कहेंगे नहीं, आलिम होना जरूरी नहीं, एक मुशरिक और काफिर जिसे तौहीद नहीं मालूम है, मुसलमान के पास तौहीद का बुनियादी इल्म है वो तौहीद तो समझा सकता है, मुसलमान को रिसालत का माना मालूम है, गैर मुस्लिम को वो नहीं मालूम है, रसूल का तआरुफ तो करवा सकता है एक मुसलमान। ये बात आप याद रखें, इसमें होता क्या है, कुछ लोग आलिम होना चाहिए इस शर्त को लगाकर चाहते ये हैं कि सिर्फ उलमा ही काम करें, दूसरा कोई मैदान में कदम ही ना रखे। और दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि मालूमात आदमी के पास हैं तो अब उसको दाई है, अब वो दाई है। दाई है का मतलब क्या है, मतलब ये कि अब मैं मैदान दावत के किसी भी मसले को मैं हल कर सकता हूं, इसलिए कि मैं दाई अपने आप को मान चुका हूं, हालांकि मैंने इल्म नहीं हासिल किया, मेरे पास मालूमात बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक नॉलेज जिसे कहते हैं, बुनियादी मालूमात वो है, उसी की बुनियाद पे दावत के मैदान से मैं जुड़ता हूं तो मैं समझता हूं कि मुझे पूरी की पूरी बातों का इल्म है, मुझे पूरी की पूरी बातों का इल्म है।
ये दोनों चीजें गलत हो जाती हैं। इसलिए एक तरीका ये ज़ाबिता याद रखें कि आप दावत के काम में जिस बात को आप समझाना चाह रहे हैं उसका इल्म आपको होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ज़हीन हैं, बहुत ज्यादा जो है दिमाग तेज होता है, और उनका दिमाग इतना तेज है कि सामने वाले के सवाल का वह अपने दिमागी सलाहियत से जवाब दे देते हैं, कुछ ना कुछ जवाब देकर उसे कन्विंस कर लेते हैं, कायल कर ले जाते हैं। दावत के मौजू में ये जहन नहीं चलेगा, आपको ये समझना चाहिए। यहां दावत इल्लाह में एक मसला आप याद रखें, जो मैं बात कर रहा हूं वो ये कि आप जो बात बता रहे हैं उसका आपको इल्म होना चाहिए। इल्म होने का मतलब क्या है? आपको ये मालूम होना चाहिए यकीनी तौर पर कि दीन में यह मसला ऐसा ही है, ये मसला दीन में ऐसा ही है, ये आपको कन्फर्म होना चाहिए। वही दावत है आप पहुंचा रहे हैं, आप मुबल्लिग हैं, आप पैगाम पहुंचाने वाले हैं। अब मैं एक मिसाल आपके सामने देता हूं, हमारे अपने साथियों ही की मिसाल है। एक वाकई आप में से बाज़ भाइयों को पता भी होगा, हमारे अपने एक साथी ऐसे ही दावत इल्लाह के मौजू पर काम करने के लिए गए। मैदान दावत में काम करते हुए तजरबात आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह अब भी तजरबात बयान किए जाएंगे, यानी पूरे दौरे में आने वाले उलमाए कराम दुआत आपके सामने अपने तजरबात सुनाएंगे। तो एक दिन वो अपना तजरबा सुना रहे हैं, एक दिन अपना वो तजरबा सुना रहे, कह रहे हैं कि मैं जो है एक गैर मुस्लिम से मिला, मिलकर मैंने कहा कि भाई इस्लाम कबूल करो, ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई हिदायत है, यह नजात का रास्ता है, यह नजात का रास्ता है, कबूल करो। जो उनको पैगाम देना था उन्होंने दिया। अच्छा, यहां तक वो दाई हैं, इसलिए कि जो चीज जैसी है वैसी ही बता रहे हैं। सामने वाले ने एक बात की, तो अब देखिए उन्होंने पैगाम दे दिया, मैसेज दे दिया सामने वाले को, सामने वाले ने उनको एक जुमला कहा। अब मैदान में आप जाते हैं तो मैदान में आम तौर पर एक नजरिया है, एक ख्याल है जो लोगों के अंदर आम है, जिसे हम जो है वहदत अदियान कहते हैं। मैदान में एक चीज है जिसे वहदत अदियान कहते हैं, और आपको भी ये बहुत ज्यादा आपको मैदान में मौका मिलेगा, और हो सकता है अगर आप में से किसी ने अब तक काम किया है तो ऑलरेडी आप फेस कर चुके होंगे। गैर मुस्लिम चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, वो पहले कोशिश करता है कि आपकी दावत का इनकार करे शुरू में, लेकिन जब वो थोड़ा बहुत कन्विंस होने लगता है, उसे समझ में आता है कि आपकी बात माकूल है, तो फिर वो दूसरे मरहले में आता है, वो ये कहता है सब रास्ते बिलाखिर एक ही मंजिल तक पहुंचाते हैं, सब रास्ते एक ही मंजिल तक पहुंचाते हैं, सब खुदा तक पहुंचाते हैं। और मिसाल आमतौर पे ये देते हैं कि ये अलग अलग नदियां, ये जो दीन है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, जैन मत है, सिख मत है, ये जो भी हैं, ये सब जो नदियां, सारी नदियां आखिर में जाकर समंदर ही में गिरती हैं। ये वहदत अदियान कहलाता। वहदत अदियान का मतलब ये है कि जब तक मकसद अल्लाह ताला है, दीन चाहे कोई भी हो, इब्राहिम का दीन हो, मूसा का दीन हो, ईसा का दीन हो, मोहम्मद अलैहिस्सलाम, सारे अंबिया में से किसी का भी दीन हो, और उसी में बाज़ लोग क्या करते हैं, शिर्क को भी दीन समझ के मान लेते हैं, बुद्ध मत को भी दीन समझ कर मान लेते हैं, सिख मत को, जैन मत को, कहते हैं ये सारे रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल सबकी एक ही है। नदियां जैसे बहती अलग अलग हैं, लेकिन पहुंचती बिलाखिर समंदर ही में जाके गिरती हैं। तो लोग क्या करते हैं, आम तौर पर ये जवाब देते हैं कि भाई आपकी बात सही है, लेकिन सारे रास्ते बिलाखिर एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं, एक ही जगह, इसलिए हमको जो है बहुत ज्यादा इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो अब हुआ ये कि हमारे वो जो साहब हैं उनके सामने उसने यही जवाब रख दिया। अब यहां जो कहने की बात थी, देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि दावत सही इल्म के जरिए क्यों जरूरी है, यानी इल्मी तैयारी की जो बात है वो क्यों जरूरी है। उन्होंने पहली बात जो रखी वो बात सही थी, अब सामने वाले की तरफ से जो जवाब आया, इस जवाब का जवाब शरीयत में क्या है, इस जवाब का तोड़ या इस जवाब का जवाब शरीयत में क्या है, और जो जवाब उन्होंने अपने दिमाग से दिया, दोनों में फर्क कितना है आप देखें। सवाल यह है कि अगर कोई गैर मुस्लिम यह कहता है कि सारे के सारे मजहब बहरहाल एक ही मंजिल तक, एक ही खुदा तक पहुंचाते हैं, तो आपको यही पैगाम देना चाहिए कि इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के पास काबिल कबूल दीन सिर्फ इस्लाम है। वमन यब्तगी गैर अल इस्लामी दीनन फलन युक्बल मिन,
जो आदमी इस्लाम के अलावा कोई और दीन कबूल करेगा उसे कबूल नहीं किया जाएगा। आपको ये बताना चाहिए कि वो दीन था, मूसा अलैहिस्सलाम का दीन दीन था लेकिन है नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम का दीन दीन था अब है नहीं, हिंदू मत जिसे कहते हैं हिंदुइज्म अब जो शक्ल शिर्क और बुत परस्ती कभी दीन थी ही नहीं। आपको दो टोक बात इसमें करनी चाहिए, कबूल करें ना करें वो बात की बात है, लेकिन जवाब आपका क्या होना चाहिए? जवाब ये होना चाहिए था कि आप कहते हैं कि नहीं, ये सारे रास्ते एक ही मंजिल तक नहीं पहुंचाते, एक ही रास्ता है जो मंजिल तक पहुंचाता है और वो रास्ता इस्लाम है। ये इससे पहले हजरत मूसा का दीन था, उस हजरत ईसा का था, उनसे पहले हजरत मूसा का था, उनसे पहले हजरत इब्राहिम का दीन था, वही दीन जो अंबिया के पास था, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इसलिए कि वो आखिरी नबी व रसूल हैं। ये पैगाम है, ये जवाब है इस शुबहे का। ये जो कहते हैं कि सारी की सारी नदियां समंदर ही में गिरती हैं, सारे रास्ते एक ही मंजिल तक पहुंचाते हैं, रास्ते जुदा हैं लेकिन सबकी मंजिल बिलाखिर खुदा ही है, आसमान वाला ही है, इसका जवाब ये था। अब आप देखिए उन्होंने ये जवाब नहीं दिया, उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? उस आदमी को समझाने की कोशिश की, अपनी तरफ से कन्विंस की, क्या जवाब दिया? कहा देखो तुम्हारी बात सही है, उनका जवाब वो कह रहे हैं तुम्हारी बात सही है कि ये सारे रास्ते जो है समंदर ही में जाके नदियां एक ही समंदर में गिरती हैं, लेकिन इस्लाम जो है वो सीधा रास्ता है, ठीक है, ये जो है ये टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, अगर इस्लाम के रास्ते से आओगे तो सीधे मंजिल तक पहुंचोगे, जल्दी मंजिल तक पहुंचोगे, आसानी से मंजिल तक पहुंचोगे, अगर दूसरे रास्तों से आओगे तो रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, देर से पहुंचोगे, इसलिए तुम सीधे रास्ते को अपना लो, इस्लाम को कबूल कर लो ताकि सीधे तुम मंजिल तक पहुंच जाओ, आसानी के साथ मंजिल तक पहुंच जाओ, जल्दी मंजिल तक पहुंच जाओ। क्या ख्याल है उनका जवाब सही था? गलती क्यों हुई उनसे? सवाल यह है गलती क्यों हुई? मसला यह है कि वो जो तैयारी होनी चाहिए दावत की, आपको पहचान जो होनी चाहिए वो पूरी नहीं, या आपने उस पर मेहनत कम की, आपने अपने आप को मान लिया कि मैं अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो फिर उसके बाद आपने समझा मेरे लिए आजादी है, मैं अपने तरफ से कुछ भी बोल के कन्विंस कर सकता हूं। मैंने उन साहब से पूछा, शुक्र करें वो सामने वाला कोई नादान था, अगर पलट कर वो कह देता नहीं नहीं मुझे अब इस्लाम कबूल करूंगा, बीवी बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, कारोबार मुतासिर हो सकता है, हिजरत करनी पड़ सकती है, समाज मेरी मुखालफत कर सकता है, इतने सारे झमेलों में पड़ने के बजाय मैं दूर के रास्ते से देर से ही पहुंचना चाहूंगा, तो क्या जवाब होता आपके पास? आपके पास क्या जवाब होता? तो कई बार क्या होता है कि आदमी अपने आप को यह समझता है कि मैंने अपने आप को दाई मान लिया है तो अब मैदान तो मेरा है, मैं कुछ भी बताकर जवाब देकर दावत का काम कर सकता हूं। मैं यहां आपको वापस लाकर कहना चाहता हूं, असल में यह है दावत, और दावत नाम है कि जो मसला जैसा है वो मसला वैसा ही पहुंचाया जाए, जो मसला जैसा है वैसा ही पहुंचाया जाए। अगर आपने जैसे का वैसा नहीं पहुंचाया, जैसे का वैसा नहीं पहुंचाया, तो आज एक मैं मसला बड़ा अहम आपको बता रहा हूं, जिंदगी भर याद रखिए आप, बसा औकात ऐसा हो सकता है कि हमारी दावत से एक आदमी हिदायत पर आ जाए लेकिन हमें उसका सवाब नहीं मिले। यह बहुत अहम मसला है, मैदान दावत में इसको नजरअंदाज किया जाता है। लोग बहुत सारे किस खुशफहमी में रहते हैं मालूम है, अब जैसे मिसाल के तौर पे एक नौजवान को शौक आया, वो मैदान दावत में निकल जाता, कहता है उल्टा सीधा जैसे भी हो मैं दावत का काम करता रहूंगा, 10 लोग मेरे जरिए हिदायत पा जाएंगे तो क्या होगा? हिदायत पाने के बाद वो और उनकी नस्लें जितना दीन पर अमल करेंगे उनको भी सवाब मिलेगा और उनके बराबर दाई को भी सवाब मिलेगा। ये मसला सही है कि नहीं है? सही है, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने खुद बयान फरमाया मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरी फाइली, और दावत में शौक के लिए, दावती शौक बढ़ाने के लिए इससे बड़ी कोई फजीलत नहीं हो सकती कि आप एक आदमी को हिदायत के राह पे ले आए, वो और उसकी नस्लें और उसके जरिए जितने लोग हिदायत पे आएंगे उन सब की जिंदगियों की नेकियों के बराबर
उनको तो मिलेगा ही सवाब, आपको भी सवाब मिलेगा। दाई के लिए इससे बड़ी कोई फजीलत नहीं, इससे बड़ा कोई अजर नहीं। इन अजरिया इल्ला अलल्लाह, ये मजबूरी नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम पाने का सबसे बड़ा मकाम है। इसीलिए हम लोग एक बात कहते हैं कि सहाबा का मकाम सबसे ज्यादा ऊंचा क्यों है मालूम आपको? सहाबा ने अपनी जिंदगी में जो अमल किया वो तो उनको अजर मिला ही, क़यामत तक आने वाले जितने मुसलमान हैं जितना भी सवाब कमा रहे हैं, ये सवाब हर मुसलमान को अपने अपने हिसाब से मिलेगा, तो पूरा मिलकर ये सवाब उन सहाबा को मिलेगा। इसलिए कोई सहाबा की बराबरी नहीं कर सकता। तो ये मसला अपनी जगह पे सही है कि एक आदमी अगर किसी को दावत के जरिए हिदायत पर ले आए तो हिदायत पर आने के बाद वो जितना अमल करेगा उतना ही ज्यादा दाई को अल्लाह ताला सवाब देगा। अब इस मसले का एक गलत मफहूम लोगों ने यह समझा हुआ है, छोटी ठीक है मेरी दावत में कुछ गलतियां होंगी, मैं उल्टा बोल दूंगा, कुछ आगे बोल दूंगा, कुछ पीछे बोल दूंगा, लेकिन अगर हिदायत पा गया आदमी इतना सवाब मिलेगा कि मेरी ये गलतियां हल्की हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। ये एक आदमी का जहन है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है, मैं आम आदमी हूं, जाहिल आदमी, अनपढ़ आदमी या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी, मैं बहुत ज्यादा सीख नहीं सकता, तो मैं ऐसे ही काम करता रहूंगा, हिदायत पर लोग आएंगे तो उनके जरिए जो सवाब मिलेगा मेरी इन गलतियों के बदले में मुझे अजर जो है वो ज्यादा हो जाएगा, इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगा। याद रखें शरीयत इस्लामिया में ज़ाबिता ऐसा नहीं। दीन के हर मसले की तरह दावत के काम के भी काबिल कबूल होने के लिए ये शर्तें हैं कि वो अमल खालिस अल्लाह के लिए हो, वो अमल सुन्नत और शरीयत के मुताबिक हो। आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, इखलास भी होना चाहिए, आपकी नमाज सुन्नत और शरीयत के मुताबिक भी होनी चाहिए। अगर आपने नमाज पढ़ ली और आपकी नमाज सुन्नत और शरीयत के मुताबिक नहीं तो वह अमल मर्दूद है, वह अमल मर्दूद है। वैसी ही बात याद रखें, दावत का काम आपने किया, आपकी नीयत में इखलास है, लेकिन दावत का तरीका आपने सही नहीं मुंतखब किया, सुन्नत के मुताबिक आपने दावत का काम नहीं किया, आपकी दावत का काम अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं होगा। जब वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा तो क्या उस पर आपको अजर मिलेगा? आपको अजर मिलेगा उस पर? आप ये मसला समझें, बहुत अहम मसला है। मैदान दावत में काम करने वाले हमारे भाइयों को समझना चाहिए मसला कि आप दावत का काम कर रहे हैं तो सही तरीके पर रहकर करना जरूरी, आपकी दावत सही तरीके पर चले ये जरूरी। अगर वो सही तरीके पर नहीं चलती है, हो सकता है लोगों को अल्लाह ताला आपकी इसी दावत के जरिए हिदायत दे दे। जैसे मैं मिसाल आपको दूं, मैदान दावत के तजर्बाकार लोग हमारे अब्दुल्ला भाई बता सकते हैं कितने ऐसे गैर मुस्लिम हैं जो खुद इस्लाम कबूल नहीं किए लेकिन दूसरे लोगों की हिदायत का जरिया बन गए। कितनी मिसालें हमारे सामने, ने खुद गैर मुस्लिम है, इस्लाम से मुतमईन है वो, और वो लोगों को खुद समझाता इस्लाम कबूल करो, फलां करो, खुद इस्लाम कबूल नहीं किया लेकिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो चूंकि खुद मुसलमान नहीं है तो उसे उस लोगों के इस्लाम कबूल करने से लोगों का तो भला हुआ लेकिन इस आदमी का कुछ भला नहीं हुआ, इसको सवाब अजर नहीं मिलेगा। ऐसे ही बात याद रखें कि अगर एक दाई सही तरीके पे दावत का काम अगर नहीं करता है, उसकी दावत से दुनिया बदल जाए लेकिन इस आदमी को अजर उसका नहीं मिलेगा। इसलिए कि दावत भी दीन है, दावत का काम भी दीन है और दीन में सुन्नत की मुताबकत और मुवाफकत जरूरी है, सुन्नत की मुवाफकत और मुताबकत जरूरी है। और अगर यह नहीं होगी तो फिर आपकी दावत अल्लाह ताला के पास काबिल कबूल नहीं होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही मसला सहाबा को समझाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह युअय्यिदु हाज़ा दीन बिर्रजुलिल फाजिर। अल्लाह तबारक व तआला इस दीन को बेदीन आदमी के जरिए भी ताकत पहुंचा देता है, बेदीन आदमी के जरिए अल्लाह ताला दीन का फायदा कर देता है। आदमी खुद बेदीन है, उसका भला नहीं हुआ लेकिन अल्लाह उसके जरिए दूसरों का भला कर दे सकता है। अब आदमी दूसरों के भले को देखकर अपनी गलतियों के लिए क्लीन चिट लेना चाहे तो यह गलत फहमी है, और यह भी शैतान का एक रास्ता है कि आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर दे इतनी आसानी से।
आप जानते हैं ना, आपका शैतान से सीधे मुकाबला। वो लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत की तरफ लेके जाना चाहता है, माफ कीजिए, जन्नत से निकाल कर जहन्नम की तरफ लेकर जाना चाहता है, और आप लोगों को जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ दावत देना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात कुरान में बयान फरमाई ना, वल्लज़ीन कफरू औलियाउहुम अत्तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूरि इलाज़ ज़ुलुमात, रोशनी से तारीकियों की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो आपका शैतान से मुकाबला है सीधे, तो शैतान क्या करता है, अच्छा तुम लोगों को हिदायत की तरफ लाना चाहते हो, मैं तुम्हें जो है सबसे पहले महरूम करने की कोशिश करूंगा। और वो क्या है, आपकी दावत में ऐसी गलतियां आपसे करवाए कि जिन गलतियों से आप सबसे पहले अजर से महरूम हो जाए। ये मसला अगर आप समझ रहे हैं तो वापस आइए उस नुक्ते की तरफ जो बात मैंने आपके सामने रखी कि एक दाई की हैसियत से आपको दावत की सही मारिफत होनी चाहिए। अब यहां दो चीजें, यहां दो चीजें, पहली चीज है दावत की मारिफत होनी चाहिए और दूसरी चीज है दावत की सही मारिफत होनी चाहिए। दूसरे अल्फाज में आप यूं कहिए, जो पैगाम आप दे रहे हैं वो पैगाम आपको मालूम होना चाहिए। तौहीद समझा रहे हैं, तौहीद आपको मालूम होनी चाहिए। इस्लाम समझा रहे हैं, इस्लाम आपको मालूम होना चाहिए। रिसालत समझा रहे हैं, रिसालत आपको मालूम होनी चाहिए। आखिरत समझा रहे हैं तो आखिरत आपको मालूम होनी चाहिए। तकदीर पर ईमान समझा रहे हैं तो तकदीर पर ईमान आपकी समझ में आना चाहिए। आप अगर फरिश्तों पर ईमान का मसला समझा रहे हैं वो आपकी समझ में आना चाहिए। आप हलाल व हराम बतला रहे हैं लोगों को तो हलाल व हराम क्या है ये मालूम होना चाहिए। एक चीज है मालूम होना चाहिए और वहीं दूसरी चीज है आपकी ये मालूमात सही होनी चाहिए। मैदान दावत में ये दोनों किस्म की गलतियां होती हैं। एक गलती ये होती है कि मालूमात के बगैर काम करने का एक रिवाज है, एक मिजाज है, इसलिए कि शौक जितनी आसानी से हासिल हो जाता है तैयारी उतनी आसानी से नहीं हो पाती है। शौक जितनी आसानी से आ जाता है आदमी के अंदर, उसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी बड़ी मेहनत चाहती है। और आम तौर पर आदमी जज्बाती मामलात में बड़ा रफ्तार उसकी ज्यादा होती, शौक के मामले में बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाता है, मेहनत मशक्कत तैयारी के मसले में आदमी कमजोर वाकई होता है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, यह पहली बात आप बिठाएं। इसलिए कि दुनिया का सबसे अजीम काम है, अल्लाह के अंबिया का यह काम मिशन है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना। आप एक गैर मुस्लिम को बुलाएं, एक मुसलमान को बुलाएं, हत्ता कि अपने घर के बच्चे को भी आप अगर दीन सिखा रहे हैं, दुनिया का सबसे इज्जत और शरफ वाला काम आप कर रहे हैं। इतने बड़े काम के लिए आपको उतनी ही ज्यादा सीरियसनेस, उतना ही ज्यादा, उतनी ही संजीदगी आपके अंदर होनी चाहिए। और संजीदगी कैसे होना चाहिए, एक तो यह होना चाहिए कि आप तैयारी करें, उतने आपके शौक से ज्यादा आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपके शौक से ज्यादा तैयारी होनी चाहिए। शौक का मसला ऐसा है कि कभी एक लेक्चर सुनकर आपके अंदर शौक पैदा हो सकता है, किसी एक दाई के तजर्बात सुनकर आपके अंदर शौक पैदा हो जा सकता है, आप किसी एक गैर मुस्लिम को भटकता हुआ देखकर वो तड़प जो आपके अंदर उसकी गुमराही को देखकर होती वो आपको दाई बना दे सकती है। आप अगर अपने पड़ोसी, अपने किसी दोस्त को जो स्कूल का आपके साथ पढ़ा हुआ था, आपने कोशिश की, हिदायत पाए बगैर मर गया, तो उसकी मौत आपको वो शौक जगा दे सकती है। आप कोई भी चीज शौक लम्हों में पैदा हो सकता है, लेकिन तैयारी एक दो लेक्चर, एक दो मुहाजरात से नहीं हो सकती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो एक काम तो ये कि लोग ये गलती करते हैं कि दावत जो बुनियाद है उसकी तैयारी पर मेहनत नहीं करते। और मैंने जैसे कहा कि इसमें ज़ाबिता कायदा यही है, जो चीज आप बता रहे वाले हैं, जो चीज आप दावत के मैदान में बोल रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कुरान और सुन्नत में ये बात ऐसी ही है, दीन में ये बात ऐसी ही है, ये आपको कन्फर्म होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं, आप अपनी तरफ से नहीं बोल सकते। कई बार क्या होता है, मैदान में दाई काम कर रहा होता है, मैदान में एक आदमी जो है काम कर रहा होता है, कई बार तो होता यह है कि सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो आदमी यह महसूस करता है कि अगर मैं अब जवाब नहीं दूंगा, अब अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। याद रखें, जवाब न देकर आप जितने कमजोर होते हैं उससे ज्यादा जवाब हकीकत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक ना दें तो उससे बड़ा नुकसान होता है।
ये जो मसला है इसको असल में समझने की जरूरत है। तो एक तो तैयारी के मसले में यह बात आपको समझनी चाहिए कि बगैर तैयारी के ना हो, और दूसरी बात है कि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि दावत को आप वैसे ही समझे जैसे ये दावत है असल में, यानी इस्लाम को आयन वैसे ही पहचाने जैसा इस्लाम हकीकत में है। तौहीद का वही मफहूम होना चाहिए जो तौहीद शरीयत में है, इत्तिबाए सुन्नत का वही मफहूम होना चाहिए जो है। अब आप दीन का कोई भी मसला या गैर मुस्लिम को समझा रहे हैं, आपको यह कंफर्म होना चाहिए कि किताबो सुन्नत में, दीन में, शरीयत में यह मसला ऐसा ही है। अब यहां आती है बात बातिल मनाहिज की। अब आप तक सोच रहे होंगे कि हम तो बातिल मनाहिज पे बात कर रहे थे, अब ये कहां से हम इतनी दूर से घूम कर आए। नहीं, असल देखिए यहां से बात समझ में आती कि ये बातिल मनाहिज की जो बात हमने की उसका ताल्लुक असल में यहां से है। एक तो मसला ये है कि आप दावत को समझें, और दूसरा ये कि सही से समझें, जैसे था वैसे ही आपको समझना चाहिए। अगर आप सही से नहीं समझते हैं तो फिर ये दूसरा धोखा है, ये दूसरा धोखा है कि आप समझते रहे कि इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं जबकि आपने इस्लाम के नाम की तरफ बुलाया है। इस्लाम के नाम पे जो दावत आप लोगों को दे रहे हैं वो सही नहीं है, वो हकीकी इस्लाम नहीं है, वो वाकई मानों में वो इस्लाम नहीं है जो नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपने बाद अपने सहाबा के लिए छोड़ा था। यहां से आपको समझना चाहिए कि बातिल मनाहिज यानी दीन के समझने और समझाने, इस्लाम के समझने और समझाने के सिलसिले में अब यहां अलग अलग मनहज है। सूफिया का एक मनहज है, ठीक है, यहां जो है मुफक्किरीन का एक मनहज है, अक्लानियीन अक्ल परस्तों का एक मनहज है। दीन को समझने और समझाने का एक सिस्टम है, एक उसकी अपनी दुनिया है, बहुत अलग अलग जो है। यानी इस्लाम के नाम पर अगर आप बात करें आइडियोलॉजी की, नजरियाती एक उसकी तफसीर की, तो आपको यह दिखेगा कि अलग अलग हैं। अब अगर आपने इसमें से सही मनहज को नहीं पहचाना तो आप दावत दे जरूर रहे हैं इस्लाम की तरफ, आप समझ रहे हैं इस्लाम की तरफ, लेकिन आपकी दावत इस्लाम की तरफ दावत नहीं होगी। मैं दो एक आयतें आपके सामने पढ़ता हूं। अल्लाह ताला ने यही बात कुरान मजीद के अंदर एक से ज्यादा मुकाम पर बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने कहा अल्लदीना दल्ला सयुहुम फिल हयाति दुनिया, उससे पहले अल्लाह ने कहा कुल हल उनब्बिउकुम बिल अखसरीन अमला, क्या मैं तुमको बताऊं उन लोगों के बारे में जो अमल करके भी खसारे में, काम करके भी घाटे में। और अगर आपके उनवान हमारे उनवान आज के उनवान से बात करके जोड़ के देखें, दावत का काम करके भी नुकसान में आज की अगर बात करें, इसलिए कि अमल आम है, हर अमल उसमें दाखिल है, नमाज, रोजा, हमारी और आपकी तिजारत, लेन देन, सब जो भी है शरीयत जिसका हुक्म हमें देती है। तो क्या मैं ना बताऊं तुमको उनके बारे में कि जिन जो लोग अमल करने के बावजूद भी खसारे में, ये कौन लोग हैं? الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا, ये वो लोग हैं कि जिंदगी में दुनिया में उन्होंने जो मेहनतें की थी वो सारी मेहनतें इनकी जाए हो गई। وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, हालांकि वो समझ रहे थे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे जो सारी जिंदगी यही समझते रहे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के पास आएंगे तो कुछ नहीं है, सारा अमल घाटे का सौदा, कुछ नहीं बचा है। ये कौन लोग हैं? आप तफसीर जाकर पढ़ लीजिए। ये वो लोग हैं जिनका अमल, चाहे वो दावत का अमल हो, इबादत का अमल हो, कोई और अमल हो, वो हैं जिनका अमल अल्लाह ताला की हकीकी दीन, नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं था। अब आपकी दावत सही मनहज पर कायम ना हो, सही दीन की तर्जुमानी करने वाले आप ना हो, आप अल्लाह ना करे दीन की वजाहत के नाम पर किसी भी गलत मनहज के तर्जमान अगर आप हो गए, तो इसका मतलब यह हुआ अल्लाह ना करे इस आयत का मिज़दाक हम और आप हो सकते हैं। इसलिए दावत इल्लाह की तैयारी में एक तो दावत की पहचान और दावत की सही पहचान, यानी दीन का सही मानव मफहूम क्या है, सही मनहज क्या है दीन को पढ़ने का, पढ़ाने का, सीखने का, सिखाने का, समझने का, समझाने का सही मनहज क्या है, यह हम और आपको मालूम होना चाहिए। और यही बात आप देखें कुरान की दो आयतों को आप अगर जोड़ते हैं तो बहुत साफ अल्फाज में समझ में आता है। मैंने आपके सामने
जब दर शुरू किया तो वही आयत पढ़ी, अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ने फरमाया कुल, अल्लाह के नबी आप कह दीजिए हादी ही सबीली, ये मेरा रास्ता, ये मेरा रास्ता है, अदऊ इलल्लाह मैं अल्लाह ताला की तरफ बुलाता हूँ, अला बसीरा बसीरत के साथ, अना मैं भी दाई हूँ, वमन तबअनी और जो मेरा पैरोकार बने मेरे उम्मती मेरे मुत्तबीईन भी अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, व सुबहान अल्लाह वमा अना मिनल मुशरिकीन। और यही बात कि अल्लाह के नबी ने यहाँ जो कहा ना कि कुल हाद, अल्लाह ताला ने कहा ना कि कुल हादी ही सबीली अदऊ इलल्लाह, ये मेरा रास्ता, इसी को अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की ज़बानी दूसरी आयत में फरमाया व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा रास्ता है जो बिल्कुल सीधा है, फत्तबिऊह तुम इसी रास्ते पर चलो, इबादत में अमाल में अखलाक में मामलात में दावत में सियासत में दुनिया में जो भी आपके मामलात दीन से जुड़े हैं, उस अन्ना हादा सिराती ये मेरा रास्ता, ये वही रास्ता जिसकी तक मैं पैरवी करता हूँ और मैं लोगों को उसी रास्ते की तरफ बुलाता हूँ, उसी के बारे में यहाँ का वह अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊह इसी रास्ते पर चलो, वला तत्तबिउ सुबुल तुम दूसरे रास्तों की तरफ न जाओ, दूसरे रास्तों के पीछे न पड़ो। इसे अगर सादा अल्फाज में हमारा जो उनवान है उससे जोड़कर अगर कहना चाहें तो यूं है कि जो सही मनहज है उसी के मुताबिक दावत का काम करो, दावत के काम के नाम पर नए नए मनाहिज नए नए रास्तों के पीछे न दौड़ो। ये पैगाम कुरान और सुन्नत में बहुत वाज़े अल्फाज में हमारे और आपके सामने पाया जाता है। तो बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो ये कि सही मनहज की पहचान जो है ये एक दाई को होनी चाहिए और दाई को ये मानना चाहिए कि अगर मुझे मेरी अपनी दावत मेरे अपने मैसेज मैं जिस दीन का मुबल्लिग या जिस दीन का पहुंचाने वाला उसकी सही पहचान अगर नहीं होगी तो मेरी दावत हकीकी दावत नहीं होगी। इस बात पे 100% आदमी को कंफर्म होना चाहिए, यानी यकीन है आदमी को मैं इसमें एकदम क्लियर हूं मेरे सामने कि आप कहें जब तक मेरी दावत सही बुनियादों पर कायम नहीं होगी मेरी दावत दावत नहीं होगी, चाहे मैं हजारों लोगों को बात करूं। मैंने जैसे कहा ना कि हजारों लोग मेरी गुफ्तगू सुनते हैं, लाखों व्यूवर्स मुझे मिलते हैं, करोड़ों लोग फॉलोअर्स हैं, हासिल कुछ नहीं। आप दो बातों में फर्क रखिए, एक चीज है दुनिया में आपका नाम हो जाए और दुनिया में आपके जरिए बजाहिर हजारों लोगों को इस्लाम की दौलत मिल जाए, और दूसरी चीज है एक या दो लोग आपके जरिए हिदायत पाएं या हजारों पाएं लेकिन जो हिदायत पाएं वो अल्लाह के पास कबूल भी कर लिए जाए, यानी आपकी नेकी के तौर पे कबूल कर लिए जाए। आपका मकसद क्या होना चाहिए? अल्लाह के पास आपकी ये दावत की मेहनत कबूल होनी चाहिए, उसके बगैर तो आपसे बड़ा घाटे का सौदा कोई और नहीं करेगा। यानी दुनिया का सबसे मोहतरम काम कहिए, इतनी बड़ी नेकी करें आप और उसे दुनिया के लिए जाये कर दें, ऐसा तो सौदा घाटे का आप नहीं कर सकते। और जब ये मसला साफ है तो आपको ये बात होनी चाहिए, इसीलिए हम इसको सादा अल्फाज में यूं कहते हैं। अक्सर आदमी क्या करते हैं पता है आपको, रिजल्ट या नताइज के चक्कर में, रिजल्ट बेहतर आना चाहिए, लोग ज्यादा कबूल करने चाहिए, वो मनहज की जब बात आती है सही रास्ते की बात आती है तो उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। यानी उनको पता है कि मनहज के एतबार से ये सही नहीं है, ये सही तरीका नहीं, पता है लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, इसलिए कि उनके दिमाग में ये बात आती है कि थोड़े से कॉम्प्रोमाइज के साथ होता क्या है भाई, 1000 के बजाय 1,00,000 लोग सुन सकते हैं, मेरा पैगाम उतने लोगों तक पहुंचता है, ये कॉम्प्रोमाइज आदमी कर लेता है। क्यों कर लेता है पता है आपको? शैतान उसे कहीं इस धोखे में डालकर इस हकीकत से गाफिल करता है कि तुम्हारा मकसद ये लोगों की कसरत नहीं कि 1000 लोगों तक पहुंचे करोड़ों तक पहुंचे समझौते के साथ, समझौते के बगैर आप दुनिया के हर फर्द तक पहुंचते अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बेहतर कोई नहीं है। समझौते के बगैर सही मनहज पर रहकर आप काम कर रहे हैं, सही मनहज पर रहकर आप काम कर रहे हैं और सही मनहज पर रहते हुए आपकी बात दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंच रही है, बहुत खुशी की बात है। सही मनहज पर रहने की वजह से आप लिमिटेड हो जाते हैं, जरा महदूद हो जाते हैं, तो यहां अनलिमिटेड होने या फिर जो है अपने आप को बहुत ज्यादा लोगों तक अपनी रीच बढ़ाने यानी अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए आपको समझौता नहीं करना चाहिए। ये जो मसला है ये बड़ा अहम मसला है कि लोग क्या करते हैं,
सिर्फ इसलिए कि दावत के नाम पर हमारी पहुंच दूर तक होना चाहिए, मनहज के मामले में समझौता करते हैं। अब ये समझौता जो है, ये समझौता नहीं, ये घाटे का सौदा है, ये घाटे का सौदा। अल्लाह ताला के पास हमारी और आपकी मेहनत जो थी वो मेहनत जाये हो जाएगी। अब अगर अल्लाह के पास जाये हो गई तो फिर हमसे बड़ा नादान कौन हो सकता है, हमसे बड़ा नादान और नासमझ कौन हो सकता है। तो बात जो मैं आपके सामने वाजे करना चाह रहा हूं वो ये कि हमें दावत इल्लाह के मौदू पर काम करते हुए सही दावत यानी दावत के सही मफहूम और सही मनहज से वाकिफियत होनी चाहिए, सही मनहज से आगाही होनी चाहिए। सवाल ये है मुख्तसर, अब आप मैं समेट लेता हूं बात को, इसलिए कि मौजू के दूसरे हिस्से की तरफ भी मुझे जाना है। सही मनहज की पहचान कैसे होती है? देखिए बहुत सादा से अल्फाज में आप एक बात देखें, दीन किस चीज का नाम है? दीन कुरान और सुन्नत का नाम है, दीन कुरान और सुन्नत का नाम। अल्लाह ताला ने कहा वअतीउल्लाह और रसूल, एक से ज्यादा मुकाम पे अल्लाह ने यह कहा, तो अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, नबी अलैहिस्सलाम किताबुल्लाह व सुन्नती का, तो दीन किताब सुन्नत है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, किताब सुन्नत जिसे हम कहते हैं, किताब यानी कुरान, सुन्नत यानी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज, कुरान और सुन्नत सिर्फ अल्फाज हैं या अल्फाज के साथ उनका माना भी है? कुरान के अल्फाज हैं, अल्फाज के साथ उनका माना भी है कि नहीं? हदीस है, सुन्नत है, तो सिर्फ अल्फाज हैं या उनका माना भी है? अब यहां एक सवाल आपसे पूछता हूं, अल्लाह के नबी ने सहाबा को जो चीज दी, कुरान दे दिया यानी अल्फाज उनको पढ़ा दिए और उसके बाद सहाबा से कहा आप समझ लें, हदीस अल्लाह के नबी ने अपने अल्फाज बयान कर दिए और सहाबा से कहा तुम समझ लो, अल्लाह के नबी ने क्या किया? अल्फाज के साथ उनका माना भी दिया सहाबा को, कुरान के अल्फाज हदीस के अल्फाज के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को उसका माना और मफहूम भी दिया। अब ये मैं आपको जो है सिर्फ जबानी नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने एक दो रिवायतें पेश कर देता हूं ताकि आपको ये कंफर्म हो कि हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं और इसी तरह बस दीगर सहाबा से भी ये आसार मरवी हैं, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा वगैरह में ये रिवायत है, अल्फाज में थोड़ा सा फर्क है लेकिन दोनों रिवायतों का मफहूम जो है वो यही है। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें कुरान पढ़ाया करते थे तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 आयतें सीखते थे, 10 आयतें हम उनसे सीखते थे। 10 आयतें पढ़ना सीखने के बाद हम क्या करते थे? उनका माना समझते थे, यानी उसमें जो अमल है उसके अंदर जो इल्म है वो इल्म हम हासिल करते थे। अब इल्म में क्या है? पढ़ना भी है, पढ़ने के बाद उसका माना भी है, उसके बाद क्या करते थे? उन 10 आयतों पर अमल कर लेते। जब 10 आयतों पर इल्म और अमल से फारिग हो जाते तो अगली 10 आयतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सीखा करते थे। कहते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा से भी आई है रिवायत, कहते हैं कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल-अमल मअन, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म और अमल दोनों चीजें ली, इल्म और अमल दोनों चीजें ली हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुरान और सुन्नत जो है ये सिर्फ अल्फाज नहीं है कि अरबी टेक्स्ट दे दिया है कि अब आप अपने अपने हिसाब से समझ लें, ऐसा नहीं था। उसको जो है कुरान के अल्फाज के साथ उसका माना भी दिया और माना देने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह माना सहाबा को दिया तो सहाबा ने कुरान और सुन्नत भी लिए और कुरान और सुन्नत के अल्फाज के साथ उनका माना और मफहूम भी लिया। सवाल अब मैं आपसे पूछता हूं, दीन आज अगर हम कहते हैं तो दीन कुरान और सुन्नत के अल्फाज हैं या कुरान और सुन्नत के अल्फाज के साथ उनका वही माना जो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को समझाया वो दीन है? दीन कौन सी चीज है? यानी कुरान और सुन्नत के अल्फाज के साथ कुरान और सुन्नत का जो माना और मफहूम सहाबा ने समझा ये दीन है। सिर्फ कुरान और सुन्नत के अल्फाज दीन नहीं, ये समझ रहे हैं आप? ये बड़ा अहम मसला है, इसलिए कि अब इसके बाद जो उन्वान होगा और उस मगरिब के बाद उसमें आपको ये समझ में आएगा कि असल जो मनाहिज बातिल मनाहिज वजूद में आते हैं उनकी बुनियादी गलती यही है,
वो बजाहिर या तो समझते नहीं हैं या समझकर भी दुनिया को ये समझाते हैं, कहते हैं कुरान और सुन्नत टेक्स्ट है, सिर्फ कुरान के अल्फाज हैं, हदीस के अल्फाज हैं। अब इनका मानो मफहूम, मानो मफहूम आप अरबी जबान के हिसाब से समझ लें, जो आपकी समझ में आए आप आजाद हैं, जो आपकी जबान में समझ में आजाद। आपको पता है हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में असर है, कहते हैं सूरह बकरा 8 साल में जाकर हजरत उमर ने मुकम्मल की, सूरह बकरा 8 साल में जाके हजरत उमर ने मुकम्मल की। क्या मतलब है इसका? हजरत उमर को कुरान सूरह बकरा सुनकर पढ़ने के लिए 8 साल लगे? कुरान सूरह बकरा कितनी है? आज हमारे घर में लोग टैप रिकॉर्डर पे लगा के जो है मोबाइल पे लगा कर 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं, 1.5 घंटे में पूरा कर लेते हैं। हजरत उमर को 8 साल लग गए, जबकि वो अरबी हैं, अरब हैं, अरबी जबान उनकी मादरी जबान, और नबी के करीबी साथी हैं, इसके बावजूद कहते हैं वो कुरान लेने में मुझे कितना वक्त लगा, कितने सूरह बकरा लेने में 8 साल का वक्फा लगा। ऐसा नहीं कि 8 साल तक वही करते रहे, उमूर सल्तनत वगैरह सारी चीजों में भी रहे, लेकिन कुरान के सूरह बकरा को समझने में, पढ़ने में, उसको समझने में उनको 8 साल लग गए। तो ये बात सबसे पहले आप याद रखो, ये बुनियादी बात। जब हम कुरान और सुन्नत कहते हैं तो कुरान और सुन्नत सिर्फ टेक्स्ट नहीं, सिर्फ अल्फाज नहीं है, सिर्फ कुरान की आयतें और हदीस के अल्फाज नहीं है, ये कुरान की आयतें और हदीस के अल्फाज अपने माने और मफहूम के साथ हैं। ये है सही माना और सही मनहज दीन का। अब इस कुरान को लिया, देखिए मैं आपको बताता हूं, कुरान को लेना, कुरान को समझना, कुरान पर अमल करना और कुरान की तबलीग करना, ये सारे काम सहाबा ने किए कि नहीं किए? किए कि नहीं किए? यकीन है आपको? यकीन है ना? इसलिए कि आप ये अगर बुनियाद अगर मजबूत नहीं पड़ी आपकी तो फिर मसला होगा। हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने ली, हदीस लेना, हदीस को समझना, हदीस पे अमल करना और हदीसों को लोगों तक पहुंचाना, सहाबा ने ये किया कि नहीं किया? तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान और सुन्नत दीन है, कुरान और सुन्नत को लेना, और पहली तो ये समझ लें कि कुरान और सुन्नत दीन है तो कुरान और सुन्नत सिर्फ अल्फाज नहीं, अल्फाज के साथ उनके मानी भी, मतालिब भी, ये दीन है। और सहाबा ने अल्लाह के नबी से ये लिया है, इसको समझा है, इस पर अमल किया है और इसको लोगों तक पहुंचाया है, मुसलमानों में भी पहुंचाया है और गैर मुस्लिमों तक भी पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? सहाबा ने गैर मुस्लिमों में काम किया कि नहीं किया? या बस औकात जो है कुछ इस किस्म की ये तबसरे सुनने को मिलते हैं कि सहाबा का जो मैदान था वो जो भी इल्म मदरसा, हजरत इब्ने अब्बास का मदरसा मुसलमानों के लिए था, जैद इब्ने साबित मुसलमानों के लिए थे, अब्दुल्ला इब्ने मसूद मुसलमानों के लिए थे, तो बहरहाल आप लोग जिम्मेदार हैं उसके जी। तो ये जो मसला है, सहाबा ने जो है, सहाबा ने जो दीन जो है था कुरान और सुन्नत अपने मानी और मफहूम के साथ सहाबा ने लिया, समझा, अमल किया और दुनिया वालों तक पहुंचाया। अब इस मसले में हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि हम भी आज अगर सहाबा की तरह, जिस तरह सहाबा ने कुरान और सुन्नत को लिया, जिस तरह सहाबा ने कुरान और सुन्नत को समझा, जिस तरह सहाबा ने कुरान और सुन्नत में अमल किया और जिस तरह सहाबा ने कुरान और सुन्नत की दावत का काम किया, तबलीग का काम किया, अगर इस तरीके पे करते हैं तो ये सही मनहज है दावत का, ये दावत का सही मनहज है। बात वाज़ेह है आपके सामने? तो हमें जो है काम दावत का करना है, आज कर रहे हैं 1400 साल, 1450 साल के बाद कर रहे हैं, लेकिन हमारी और आपकी दावत असल में होनी क्या चाहिए? वही दावत होनी चाहिए जो सहाबा कुरान और सुन्नत की रोशनी में खुद समझकर दुनिया को समझाते रहे। यानी हमारे पास एक तयशुदा मनहज है, सिस्टम है, मफहूम है, मतलब है, सारी चीजें, दीन सीखने का तरीका है, दीन समझने का अपना तरीका है, दीन का अपना मफहूम है और उस दीन पर अमल करने का एक नमूना है और उस दीन को पहुंचाने के रास्ते, तरीके और क्या चीज पहुंचानी चाहिए, कैसे पहुंचानी चाहिए, सहाबा का अपना एक तरीका है।
अब हमको जो है इस सही मनहज को पहचानने पर मेहनत करनी चाहिए। मैंने बात कहां से शुरू की थी आपको याद है? मैंने कहा था कि बातिल मनाहिज की पहचान और दावत के मौजू से उसका ताल्लुक। अब तक आपने दावत के मौजू से बातिल मनाहिज का ताल्लुक क्या है वो समझ लिया आपने। अब सही मनहज की पहचान के बारे में दूसरा जुमला मैंने ये कहा कि आप बातिल मनाहिज की पहचान के पीछे दौड़ेंगे, दौड़ते रहेंगे, वो मनाहिज खत्म नहीं होंगे। आप हक को पहचान ले, बातिल खुद ब खुद वाजे हो जाएगा। इस्लाम को पहचान ले, बकिया अदियान खुद ब खुद आपके सामने वाजे हो जाएंगे। जब हम ये समझते हैं कि कुरान और सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को अपने मानी व मफाहीम के साथ समझाया, सहाबा ने उसे लिया, उसको समझा, समझने का एक तरीका, उसका एक माना है, उस पर अमल किया, उसे लोगों तक पहुंचाया, पूरा एक सिस्टम है, तो ये सही मनहज है, ये सही मनहज है। यही मनहज सहाबा से ताबीईन के अंदर मुंतकिल हुआ, ताबीईन से तबे ताबीईन के अंदर मुंतकिल हुआ। अब अगर दावत इल्लाह के मौजू पर हम काम करना चाहते हैं तो सही मनहज की पहचान जरूरी है। इसके बगैर अगर हम काम करेंगे तो कभी भी बातिल मनहज का हम शिकार हो सकते हैं, और अल्लाह ना करे अगर बातिल मनहज का शिकार हुए, हो सकता है हमारी दावत बेअसर हो जाए, या हो सकता है हमारी दावत से हजारों लोगों को हिदायत मिल जाए, लेकिन हमारा घाटा हमारा नुकसान तो तय है। इसलिए कि हमारी दावत सुन्नत के मुताबिक नहीं, शरीयत के उसूलों के मुताबिक नहीं है। ये जो मसला है, इस मसले को हम और आपको हमेशा याद रखना चाहिए। बात वाजे है आपके सामने? बात वाजे है, ठीक है। ये था आज की हमारी निशस्त का पहला पहलू या पहला उनवान। मैंने जैसे कहा कि आज की हमारी पूरी बैठक में हम तीन बातों पर, तीन मसलों पर बात करेंगे। ये पहला मसला था जिससे मुतालिक मुझे बात करनी थी कि बातिल मनाहिज की पहचान और दावत का उसे उसका ताल्लुक। एक उमूमी तौर पर आपके सामने बात वाजे हो गई। अब दो बातें हैं, एक बात अब और एक मगरिब के बाद, दो बातें मुझे आपके सामने रखनी है। और ये दोनों बातें क्या हैं? असल में दो नमूने मुझे आपके सामने पेश करने हैं कि दीन की खिदमत के नाम पर, जैसे दावत का काम दीन की खिदमत है ना। अब लोग समझते हैं कि भाई जब तक मेरी नीयत दीन की खिदमत है तो मुझे काम की आजादी है, मैं जब तक मेरी नीयत दीन की खिदमत है मैं आजाद होकर काम कर सकता हूं। मैं आपके सामने तारीख इस्लाम के दो तजर्बात रखना चाहता हूं कि कैसे ये मनहज का इन्हिराफ लोगों को दीन की हकीकी तबलीग से दूर ले जाता है, और वो दीन को फैलाने के बजाय उल्टा दीन का नुकसान करने वाले बन जाते हैं। दो नमूने अब जो मैं बात रखूंगा, एक तारीख इस्लाम में पहले का तजर्बा है और एक करीब के जमाने के तजर्बे हैं। दो जो है मनहज हैं, जो दो मनहज जिन्होंने जो है बातिल नहज पर दीन की खिदमत की, नतीजे में क्या हुआ? नतीजे में वो बजाहिर दीन के खिदमत गुजार थे लेकिन हकीकत में दीन का नुकसान करने वाले हो गए। ये बताने के लिए कि अल्लाह ना करे अगर आप या आप जैसे मैदान में काम करने वाले जो दुआत हैं, अगर वो सही मनहज पर काम नहीं करेंगे, आपकी दावत बजाहिर दीन की खिदमत होगी लेकिन अंजामे कार दीन को नुकसान पहुंचाने वाले आप हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। समझ रहे हैं आप उनवान हमारा, टॉपिक कहां है, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कहां है? दो तजर्बात हुए हैं, सहाबा ताबीन तबे ताबीन का जो मनहज था, जो सिस्टम था, उसको छोड़कर जो है दूसरे सिस्टम को या दूसरे मनहज पर काम करने की कोशिश की लोगों ने, तो क्या हुआ? वो लगा उनको कि वो दीन की खिदमत कर रहे हैं या हमारे उनवान से जुड़े दावत का काम ही कर रहे हैं, उनको लगा, लेकिन हकीकत में उन्होंने दीन का फायदा नहीं किया, दीन का बेड़ा गर्क किया उन्होंने। दो तजर्बात मैं आपको तारीख इस्लाम की रोशनी में देना चाहता हूं, ठीक है ना? ठीक है, चलिए वक्फा चाहिए या कंटिन्यू कर सकते हैं? मेरा पानी दे दीजिए। पहला तजर्बा, बैठे बैठे पहला तजर्बा मैं आपको बताना चाहता हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में भेजे गए, गिलास दे दें, गिलास दे दें बस। पहला तजर्बा जो है
वो कब हुआ, कैसे हुआ, आप ये देखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अल्लाह के नबी ने अल्लाह के नबी को मक्का में भेजा, मक्का के लोग उम्मी हैं। अल्लाह ताला ने कहा ना, वल्लज़ी बअथ फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, यानी वो कौम जो लिखना पढ़ना नहीं जानती, ऐसी कौम थी। अल्लाह के नबी ने जज़ीरतुल अरब के अंदर इस्लाम फैलाया और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी तक इस्लाम जो था वो तकरीबन जज़ीरे अरब में फैला हुआ था। अभी कुछ कबाइल बाकी थे यहूद और नसारा के जज़ीरतुल अरब के अंदर बाकी थे, लेकिन बिलउमूम जज़ीरतुल अरब में इस्लाम अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में फैल चुका था। ईरान और रोम तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पहुंची थी, लेकिन इस्लाम का गलबा अभी वहाँ नहीं हुआ था। खिलाफत राशिदा में अल्लाह के फजल करम से ईरान और रोम का हिस्सा जो है फतह होने लगा था। ईरान तकरीबन ख़त्म हो गया, रोम का आधा हिस्सा तकरीबन मुसलमानों ने फतह कर लिया था। हजरत मुआविया के दौर से लेकर बनू उमैया का जो दौर शुरू हुआ, तकरीबन वो 132 का मतलब ये हुआ कि 92 साल तकरीबन, 92 ईयर्स तकरीबन खिलाफत बनी उमैया कायम रही। इस दौर में यूनान यानी रोम भी फतह हो गया, ईरान भी फतह हो गया, सब ख़त्म हो गया। अब इस दौर के बाद खिलाफत अब्बासिया का दौर शुरू हुआ। खिलाफत अब्बासिया का मतलब आप यूं समझ लीजिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के तकरीबन 150 साल के बाद, तकरीबन लगभग। मामून का दौर आया, मामून अर रशीद, हारून के अमीन और मामून दो बेटे थे ना, मामून का जब दौर आया तो ये दौर ऐसा था जब मुसलमानों के अंदर जो है वो बद्दुओं वाली जिंदगी के बजाय एक तहजीब, एक कल्चर पूरा फरोग पाया हुआ था, पूरा एक कल्चर जो है वजूद में आ गया था। इस दौर में मामून ने क्या किया, यूनानी फलसफे की किताबें, यूनानी फलसफे की किताबें, इसलिए कि हर इल्म से ताल्लुक होना चाहिए, इस बाब से बैतुल हिकमत जो कायम था, मामून का कायम किया हुआ, उसमें उसने यूनानी किताबें, यूनानी अहद की किताबें मंगवाई, मंगवा के फलसफे के, फिलासफी पर मुश्तमिल किताबों का भी अरबी में तर्जमा करवाया। हम उस पर बात नहीं करेंगे कि मामून ने जो किया सही किया, गलत किया, फ़ायदा हुआ नुकसान, ये टॉपिक नहीं है हमारा। अभी हुआ ये कि यूनानी फ़लसफ़ा जब आया तब उस फ़लसफे की बुनियाद पर, मैं आपको मुख्तसर समझा देता हूँ, फ़लसफे की बुनियाद पर हुआ ये कि इस्लामी अकायद के सिलसिले में शुभात, सवालात, इश्कालात, एतराज़ात, एक सिलसिला चल पड़ा। अब सिलसिला कैसे चल पड़ा, सिलसिला यूं चल पड़ा कि कोई भी बात आप कुरान सुन्नत की कोई आयत पढ़कर उनको समझाते हैं, तौहीद का एक मसला समझाते हैं, अल्लाह ताला के बारे में कोई बात कुरान में आई हुई बताते हैं, वो फलसफे के उसूलों पर उस बात को परख कर देखते हैं और उनको लगता है कि ये ठीक नहीं बैठती है तो कुरान पर एतराज़ कर देते हैं, इसलिए कि वो लोग ये मानते हैं कि ये फैक्ट है, जो फलसफे के उसूल हैं वो उसूल सही हैं, तो जो चीज़ उन फलसफे की बातों से टकराती थी उस पर एतराज़ात करना शुरू करते थे। तो ये वो दौर था जब ये खतरा था कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मुर्तद हो जाएगी, मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मुर्तद हो जाएगी, और ऐसे ही जब गैर मुस्लिमों को समझाने की बात आएगी तो अगर गैर मुस्लिम ये एतराज़ करेगा, फ़लसफे की बुनियाद पर एतराज़ करेगा, तो हम महज कुरान की आयत सुनाकर, हदीस सुनाकर मुतमईन नहीं कर सकते, इसलिए हमको फ़लसफे का तोड़ फ़लसफे से करना चाहिए, और फ़लसफे का दारोमदार इंसानी अक्ल पर है, तो अकली दलाइल का तोड़ अकली दलाइल से करना चाहिए। शरीयत के मसाइल को जब पर एतराज़ जब वो अकल से करते हैं तो शरीयत के मसाइल का दिफा भी अकल ही से करना चाहिए, ये एक जहन जो है पैदा हुआ। समझ में आ रही बात, ये मैं जो ये बात समझ में आ रही ना, इसलिए कि इसके बाद थोड़ा और बारीकी आएगी, ये नहीं समझ में आई तो इसके बाद वाली नहीं समझ में आएगी। हाँ जी, ये देखिए मसला ये हुआ कि फलसफे की बुनियाद पर, अब जैसे उसकी करीब करीब मिसाल अगर आप समझना चाहें तो आज साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस में क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें वो फैक्ट्स की बुनियाद पर ही, साइंस उसी को मानती है जो चीज़ उनके पास
प्रूफ के साथ आए, यानी जो साइंटिफिक प्रूफ जिसका हो सकता है उसी को मानते हैं, जो साइंटिफिकली प्रूफ ना हो सके वो उसको मानते नहीं। एक साइंस का अपना उसूल है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दीन को मजहब को भी साइंस के इन्हीं उसूलों पे तोलने की कोशिश करते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि दीन की बताई हुई कोई भी बात अगर आती है तो वो बिल्कुल साइंटिफिक अंदाज में उसको जो प्रूव करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि कुछ चीजों को आप प्रूव नहीं कर पाते हैं तो क्या यह जरूरी है कि वो चीज है ही नहीं? आप ये कह सकते हैं कि साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाए हम, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि वो है ही नहीं। तो खैर, आज के दौर में जिस तरह बहुत सारे लोग साइंटिफिक उसूलों की बुनियाद पर इस्लाम और इस्लाम की तालीमात को परखना चाहते हैं और उसकी बुनियाद पर एतराज करते हैं और उसके दिफा करने में बहुत सारे लोग साइंटिफिक अंदाज ही में इस्लाम के उसूलों का या इस्लामी मसाइल का दिफा करने पर आते हैं, ऐसा एक तजर्बा पहले हुआ है। ये था फलसफे के उसूलों की बुनियाद पर जितने एतराजात, इश्कालात, सवालात, जो भी इस्लाम इस्लामी अकायद से मुतालिक एतराजात होते हैं उनका जवाब अक्ल ही से कैसे देना चाहिए, अक्ल ही से देना चाहिए, कुरान और सुन्नत को छोड़कर सिर्फ अक्ल की बुनियाद पर देना चाहिए। ये जो है हुआ कब, मामून के दौर के बाद में, मामून रशीद खिलाफत अब्बासिया में ये मामला छेड़ा और उसी दौर में मुतजिला एक फिरका है ये वजूद में आए, मुतजिला और उससे पहले जहमिया, ये दो नाम आप याद रखिए, इनकी जरूरत आपको पेश आएगी समझने के लिए इस मसले को। देखिए, फलसफे का उसूल क्या था, फलासफा का जो उसूल था, इनके उसूलों का तोड़ कुरान और सुन्नत में अल्लाह ताला ने किया हुआ है। इसका मुकाबला, ये जो लहर आई थी इस्लाम और मुसलमानों के अकाइद पर एतराजात की जो बात आई थी, इसका मुकाबला दो तबकात ने किया। एक तबका मुहद्दिसीन का था। मुहद्दिसीन ने क्या किया, कहा कि ये दीन है तुम्हारे अकली उसूलों पर नहीं चलेगा, ये दीन अल्लाह ताला की खबर पर चलेगा, अल्लाह ने कह दिया तो वही हक है। हां, बास चीजों को हम समझने से कासिर हैं, वो हमारा कसूर है, मसला गलत नहीं है, मसला गलत नहीं, हमारी अक्ल उसे समझने से कासिर है तो हम अपने अक्ल को मुत्तहम करेंगे। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया उस मसले को बहुत सादा अल्फाज में यूं समझाते, कहते हैं कि अशरीअतु लम ताती बिमा तुहीलुहुल उकूल वलाकिन अतत बिमा तहारु फीहल उकूल। कहते हैं कि शरीयत में ऐसा कोई मसला नहीं है जो अक्लन मुहाल और नामुमकिन हो, यानी अक्ल के खिलाफ हो, ऐसी कोई बात शरीयत में है ही नहीं, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं कि उसकी हकीकत को समझने में अक्लें हैरान रह जाती हैं, समझ में नहीं आता अक्लों को। यानी मतलब यह है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो है अल्लाह ताला ने बयान की हैं तो इंसानी अक्ल में वो पूरी नहीं आ पाती, लेकिन इंसानी अक्ल अगर वाकई मानों में उस कमाल तक पहुंच जाए तो कल जिसका इनकार कर रही थी आज उसका इकरार कर सकती है। जैसे एक मोटी मोटी मिसाल आपको दे देता हूं, एक छोटी मिसाल है, अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मक्खी खाना गिर जाए तुम्हारे पानी में तो तुम क्या करो, उसको डुबो दो, डुबा के निकाल के फेंक दो। अब अगर आप उसे साइंटिफिक अंदाज में साइंस की तहकीक से पहले, आज साइंस ने यह बात बताई कि ये बात जो कही गई है कि मक्खी के एक पर में बीमारी दूसरे में शिफा है, यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, यह आज मुमकिन है आसान। उससे पहले क्या था, साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर पाते थे आप, तो आप क्या करते, इनकार कर दे कि नहीं ये गलत है। शेखुल इस्लाम ने तैमिया कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं जो अक्ल में न आने वाली हो, लेकिन यह जरूर है कि अक्लें बहुत सारी चीजों को समझने में हैरान रह जाती है। उसका इलाज क्या है, अपनी अक्ल पर मेहनत करते रहो, अपनी तहकीक पर मेहनत करते रहो, एक वक्त आएगा कि इस्लाम की हर बात साइंटिफिकली यकीनन प्रूव होती जाएगी, या यूं कहिए कि अक्ल के ऐन मुताबिक आपको नजर आएगी। उसकी एक मिसाल मैंने दी ना, जब तक ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ कोई बात नहीं। जैसे एक मिसाल आपको बताएं, कुछ लोग बीमार हो गए वबा में, मदीना की वबा में आकर बीमार हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा कि जाओ जाकर तुम जो है ऊंट का दूध और ऊंट का पेशाब इस्तेमाल करो, पियो, इस्तेमाल करो, जिससे तुमको शिफा हो जाएगी। और वो लोग गए और उसको इस्तेमाल किया। जब तक रिसर्च नहीं हुई थी ऊंट के दूध या ऊंट के पेशाब पर, रिसर्च नहीं हुई थी, लोगों को लगता है ये कैसा दीन है जो जानवर का पेशाब पीने की बात करता है,
इलाज के तौर पर, लेकिन जब तहकीक मुकम्मल हुई तो आज साइंस ये बताती है कि वबाई अमराज का वहां के जो सहराई इलाकों की जो वबाएं होती हैं, वबाई अमराज की शिफा के लिए उससे बेहतर ट्रीटमेंट नहीं है। तो आज वही चीज जो कल अकल हमारी कबूल नहीं कर रही थी, आज उसे कबूल कर लेती है। मैं मुख्तसर करता हूं, बात बहुत दूर चली जाएगी, मैं मिसालें देता जाऊंगा। बात यह थी असल में कि ये जो फलसफे की बुनियाद पर जो एतराजात हुए, जो भी एतराजात हुए, उनका मुकाबला मुहद्दिसीन ने किया कुरान और सुन्नत और सहाबा की, वही मनहज जो मैंने बताया ना आपको, सही मनहज की आपके पास पहचान होनी चाहिए और उसी से आपको काम करना चाहिए। तो मुहद्दिसीन ने क्या किया, उसी मनहज पर रहकर काम किया, कुरान से जवाब दिया एतराजात का, हदीस से जवाब दिया, सहाबा के आसार से जवाब दिया का, यही कुरान में, यही सुन्नत में, यही सहाबा के आसार में, और यही दीन है हमारा। जो इससे खिलाफ होगा वो गुमराही है, उससे ज्यादा हमें कोई सरोकार नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, मनहज बदल लिया, मनहज बदल लिया। और मनहज क्या था, कुरान और सुन्नत को एक तरफ रखकर इन अकलानी जवाबों का अक्ल से ही हम जवाब देंगे, अकली एतराजात का अक्ल ही से हम जवाब देंगे। ये तरीका अपनाया मुतजिला ने, मुतजिला ने जवाब देने की कोशिश की। मुतजिला के नक्श कदम पर चलकर अशायरा और मातूरीदिया ने इल्म कलाम को वजूद में लाया। अब इसकी हकीकत मैं आपको समझा देता हूं मुख्तसर से वक्त में, आप जरा इसको मेरे पास तवज्जो से सुन लीजिए कि फलासिफा के पास क्या उसूल था और मुतजिला ने उसे कैसे अपनाया। फलासिफा के पास ये था, फलासिफा खुदा के वजूद के मुनकिर हैं, वो खुदा के नाम को नहीं मानते, खुदा जो खालिक है, रब है, खुदा के वजूद को नहीं मानते फलासिफा। उनके पास दुनिया का उसूल यही है, वो कहते हैं कि एक अक्ल है, उसे अक्ल कुल कहते हैं, अल अक्ल अल फआल कहते हैं, कहते हैं एक अक्ल कुल है, अल अक्ल अल फआल है, उससे इल्म और मारिफत के चश्मे बहते रहते हैं, जैसे कोई पानी का चश्मा जिससे पानी उबलता रहता है ना, कहते हैं एक अक्ल फआल है, उस अक्ल फआल से इल्म और मारिफत के चश्मे बहते रहते हैं। अब उसके बाद कहते हैं कि इंसान जो होते हैं, कामन जो इंसान है, इन इंसानों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अकलें जरा पुख्ता होती हैं, यानी अक्ल वाले होते हैं, जिनकी अकलें जो है समझदार अकलों वाले होते हैं। कहते हैं कि फिर ये जो अकल वाले लोग हैं, ये अकल वाले लोग अपनी अकल को पर रियाजत करते हैं, यानी मेहनत करते हैं, उसे तरा उसको साइकल करना कहते हैं, यानी उसको चमकाने की कोशिश करते रहते हैं। वो कैसे अपनी अकल को करते हैं, यही जो इनके उसूल हैं, इन उसूलों की रोशनी में बहस व मुबाहसा करना, मुनाजरा करना, उस पर अपना दिमाग लड़ाना और दिमाग से नई नई बातें निकाल कर लाना, बारीकियां वाजे करना, खोल कर, यूं कहते हैं कि अपने अक्ल को साइकिल करते जाते हैं, साफ करते जाते हैं, तेज करते जाते हैं। तो कहते हैं जैसे आम लोगों में से अक्लमंद लोग नुमाया होते हैं, इन अक्लमंदों में से कुछ और लोग नुमाया होते हैं और क्रीम उसका निकलता है, फिर उस क्रीम को रियाजत के जरिए मजीद उसको यूं कहिए कि घोटा जाता है, मजीद कुछ लोग उनमें से नुमाया होते हैं। कहते हैं ऐसे ही इंसानी समाज और सोसाइटी के अंदर होता यह है कि बहुत ही कम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अकलें इतनी ऊंची हो जाती हैं कि वो अकले कुल जिससे फ्यूज इल्म और मारिफत का चश्मा बह रहा है उससे रिश्ता जोड़ने में कामयाब हो जाती हैं, यानी वो अकलें इतनी बाकमाल हो जाती हैं कि उनका ताल्लुक सीधे उस अक्ल से जुड़ जाता है, तो इल्म और मारिफत की जो बातें हैं वो उनके दिमाग में उतरने लगती हैं। आपने कभी सोचा है बैठे बैठे आपके दिमाग में कोई ख्याल आता है, आते हैं ना ख्यालात सबको, तो वो ये तसव्वुर करते हैं कि ये जो ख्यालात इंसानी दिमाग में आते हैं बिल्कुल ऐसे ही इल्म और मारिफत, यानी चीजों की हकीकत क्या है, चीजों का कि असल क्या है, चीजों के असरात क्या है, माहियत, इनकी हकीकत से मुतालिक इल्म मारिफत का जो चश्मा है वहां से एक ऐसा अंदरूनी रिश्ता जुड़ जाता है कि उन अकलों तक वो बात पहुंचती है। कहते हैं कि लोग जिसे नबूवत कहते हैं यही असल में नबूवत है और कुछ नहीं है। ये फलासफे, मैं बात कर रहा हूं फलासफा यूनान और रोम के जो फलासफा फिलासफर्स थे उनके पास जो जो कॉन्सेप्ट था उसकी मैं बात कर, वो कहते हैं कि इंसानों में से बिल्कुल क्रीम, फिर क्रीम को घोट कर उसको
इसका और उसमें से करीब निकाल के कहते हैं उंगलियों पे गिने जाने वाले चार छह लोग ऐसे होते हैं किसी समाज में जो इस कदर ज्यादा अकलमंद होते हैं, उनकी अकलें इतनी ऊंची होती हैं कि एक आम आदमी उनकी अकल को पहुंच ही नहीं सकता। इसीलिए कई बार उनकी बातों को ना समझने की वजह से लोग उनके दुश्मन भी हो जाते हैं। लोग कहते हैं इसलिए वो इतने ज्यादा अकलमंद हैं कि उनकी बातों को समझने के लिए अकल चाहिए। अब आम लोगों के पास अकल होती नहीं, इसलिए उनके दुश्मन हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, पूरा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। इस्लामी शरीयत हम और आपको बताती है कि यहां मसला साफ है। वो क्या है? अल्लाह ने आदम को पैदा किया, जमीन में उतारा, भेजने से पहले ही अल्लाह ने कहा मेरी तरफ से हिदायत आती रहेगी, मैं भेजता रहूंगा। दुनिया में बनी आदम का काम यह कि उस हिदायत की पैरवी करें। अगर हिदायत की पैरवी करेंगे जन्नत में जाएंगे, नहीं पैरवी करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। ये सीधा सा सादा सा उसूल है इस्लामी शरीयत में। ये बहुत सादा सा उसूल इस्लामी शरीयत के अंदर दिया गया। अब इसी को रिसालत हम कहते हैं। तो तरीका यह होता है कि अल्लाह ताला कौम में से, बंदों में से एक शख्स को मुंतखब करता है और मुंतखब करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उन पर वही उतारता है। वही, अब ये वही कैसे आती है? कभी बराह रास्त अल्लाह ताला उनके दिल में डालता है बात, कभी फरिश्तों के जरिए भेजता है जो फरिश्ते लाकर उन तक पैगाम पहुंचाकर जाते हैं। तो हमारे पास यानी दीन के अंदर यह बात साफ है कि एक अल्लाह ताला खालिक मालिक राज़िक माबूद बरहक एक है। हिदायत वही भेजता है। कैसे भेजता है? फरिश्तों के जरिए या बराह रास्त रसूलों के पास भेजता है और रसूल अपनी उम्मतों को सिखाते बतलाते हैं। यह हमारे पास। अब फलासिफा इसी को जो है बदल देते हैं पूरी तरीके से। अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करते हैं, कहते हैं वहां एक अक्ल फ़आल है जिससे इल्म और मारिफत के चश्मे बह रहे हैं। अब रसूल, जिनको अल्लाह ने रसूल मुंतखब किया है, तो वो रसूलों के बारे में कहते हैं कि रसूल रसूल कोई होते नहीं, बस ये कुछ मुंतखब अकलमंद होते हैं जो अपनी अक्ल की तेजी और अक्ल की हिद्दत कहते हैं, यानी उसके अंदर जो कुव्वत है, जो सलाहियत है, उस सलाहियत से इस काबिल हो जाते हैं कि उस अक्ल से ताल्लुक जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तो फिर वो बातें जो है इंसान के अक्ल में आने लगती हैं, उनके दिमाग में आने लगती हैं और वही बातें दुनिया वालों को वो बताते हैं, वही बातें दुनिया वालों को वो बताते हैं। तो गोया कुल का कुल दीन या दीनी अकाइद अफकार नजरियात का दारोमदार किस पर है फलासिफा के पास? इंसानी अकल पर है। बात वाज़ह है आपके सामने, इंसानी अकल पर वो कुल दारोमदार रखते हैं फलासिफा। अब यहां फलासिफा के पास एक बहस है, देखिए बड़ी समझने की बात है ये अगर आप समझेंगे, ये मैदान दावत ही में नहीं, दीन के सारे मामलात में आपके बड़े काम की चीज है। फलासिफा में अब एक बहस होती है, कहते हैं कि ठीक है फलासिफा तो अक्ल से लेते हैं, अब ये जो हम जिनको रसूल कहते हैं, रसूल जिनको कहा जाता है, क्या अंबिया और रसूल को भी वो हकीकतें मालूम हैं जो हमको मालूम हैं? ये फलासिफा के अंदर आपस में इख्तिलाफ कि जो बातें हमें मालूम हैं, यानी हम अकली उसूलों पर चलकर जिन चीजों को हकीकत मानते हैं, अकलानी उसूलों पर चलकर जिन चीजों को हम हकीकत मानते हैं, जिनको हम हकायक के दर्जे में रखते हैं, क्या अंबिया को भी ये सारी हकीकतें मालूम हैं? तो यहां तीन हिस्सों में बढ़ जाते हैं फलासिफा, तीन हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, अंबिया और रसूल को ये सब चीजें मालूम नहीं रहती, ये अंबिया और रसूल जो हैं उनको ये सब हकीकतें नहीं मालूम होती, खुदा कौन है, उसकी हकीकत क्या है, उसका वजूद कैसा है, ये सारी हकीकतें सिर्फ फलासिफा को मालूम है, सिर्फ अकली उसूलों पर चलकर ही समझे जा सकते हैं, रसूलों को इसका बिल्कुल पता नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर कोई खुदा के वजूद, रब के वजूद का तारुफ करवाना चाहे, रसूलों की तालीमात में उसे कुछ नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? फलासिफा के पास मिलेगा। ये एक ग्रोह का काम। दूसरा गिरोह ये कहता है कि नहीं, रसूलों को भी मालूम है लेकिन रसूल अपने उम्मतियों को वो सारी बातें नहीं बतलाते। क्यों नहीं बतलाते? इसलिए कि उम्मतियों की अकलें बहुत छोटी छोटी होती हैं, इसलिए वो अपने उम्मतियों को ये बातें, हमारी तरह रसूलों को भी मालूम होता है लेकिन रसूल अपने उम्मतियों को नहीं बतलाते। फिर भी नतीजा क्या हुआ? अगर अल्लाह ताला के बारे में मालूम करना हो तो हम अंबिया और रसूल की तालीमात में तलाश करेंगे या फिर फलासिफा के उसूलों पे चलेंगे? नहीं, आपका जवाब नहीं पूछ रहा हूं मैं,
ये जो फलासफा कह रहे हैं उसका नतीजा पूछ रहा हूं। फलासफा ये कहते हैं कि अंबिया को मालूम है लेकिन उन्होंने बताया नहीं अपनी उम्मतों को, उन्होंने अपनी उम्मतों को बताया नहीं है। तब सवाल ये पैदा होता है कि अब अगर अल्लाह के बारे में मालूम करना हो तो हम अंबिया की तालीमात में तलाश करेंगे या फलसफे के उसूलों में? उनके मुताबिक फिर भी कहां आना पड़ेगा? फलसफे के उसूलों में आना पड़ेगा। ये दूसरा ग्रोह, पहला ग्रोह कहता है अंबिया को नहीं मालूम, दूसरा कहता है मालूम है लेकिन उन्होंने बताया नहीं है। तीसरा ग्रोह है, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं नहीं अंबिया को मालूम है और अंबिया ने बताया भी है, अपने मुत्तबीइन को बताया भी है, लेकिन अंबिया की बातों का माना वो मतलब उसे जाहिरी अल्फाज पे समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अंबिया की बातों का माना वो मतलब, हमने जो उसूल मुकर्रर किए हैं, फलसफे के जो उसूल हमने मुकर्रर किए हैं, अक्ल के जो उसूल, अकलानी उसूल हमने जो मुकर्रर किए, उनकी रोशनी में अगर समझेंगे तो अंबिया का की मुराद हमें समझ में आएगी। अगर हमने फलसफे के उसूलों को छोड़ दिया, अकलानी जाबितों को छोड़ दिया और रसूलों की बात को सीधे सीधे जैसे वो कह रहे वैसे ही समझ लिया तो हम गलती कर बैठेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई आदमी अकलानी उसूलों पर अगर नहीं चलेगा तो उसे दीन सही से समझ में नहीं आएगा। ये तीन ग्रोह हुए फलासफा के, मैं फिर से दोहराता हूं इसको आप समझ लें थोड़ा सा। फलासफा ये कहते हैं कि इल्म मारिफत के जो चश्मे हैं वो अक्ल फ़आल से बहते हैं और ये जो अकलें, मुमताज अकलें जिनके पास अकली कुव्वत बड़ी ही मजबूत होती है, वो इस काबिल होती हैं कि वो फ्यूज और बरकात डायरेक्ट वहां से हासिल कर लें। इसीलिए जो हकायक उनको मालूम है किसी और को वो मालूम हो ये मुमकिन नहीं है। अच्छा अंबिया और रसूल, तो कुछ लोगों ने कहा अंबिया और रसूल को नहीं मालूम होता, तो इसका मतलब यह हुआ कि फलसफे के उसूलों ही पर आपको अल्लाह की मारिफत हासिल करनी चाहिए, या अल्लाह ताला के वजूद के दलाइल, अल्लाह ताला मौजूद है इसकी दलील भी फलसफे में ही मिलेगी, शरीयत में दीन में आपको नहीं मिलेगी, इसलिए कि रसूलों को नहीं मालूम है। या दूसरे कुछ लोग कहते हैं रसूलों को मालूम है लेकिन उन्होंने बताया नहीं है, तो फिर भी मसला यही फलसफे के उसूलों में आकर रुक गया। और तीसरा एक तबका वो कहता है कि मालूम भी है, उन्होंने बताया भी है, लेकिन उनको अगर जैसे के वैसा समझ लेंगे, यानी अल्लाह ताला के बारे में अल्लाह ने जो कुरान में बताया, नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारे में जो बताया उसे जैसे का वैसा अगर आप समझ लेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। हिदायत कब है, सही तरीका क्या, इन्हीं अकलानी उसूलों की रोशनी में आपको समझना चाहिए। ये जो है फलासफा के उसूल थे। और जैसे मैंने कहा मोतजिला, जहमिया और मोतजिला जो है उन्होंने इस असर को कबूल किया और कोशिश की कि इन्हीं अकलानी उसूलों से फलासफा का रद्द करें, यानी फलसफे के उसूलों पे चलकर ही फलासफा का रद्द करने की कोशिश करें। नतीजा क्या हुआ पता है आपको? मोतजिला और फिर उनके बाद अशायरा और मातुरीदिया और इनसे पहले जहमिया वगैरह एक ऐसे फिरके के तौर पे वजूद में आए जिन्होंने इस्लाम का दिफा कम किया, इस्लाम का बेड़ा गर्क ज्यादा किया। मुहद्दिसीन ने क्या किया? मुहद्दिसीन ने उसूल वही रखे जो सहाबा के पास था, दीन था, कुरान हदीस सहाबा के आसार, जो भी एतराज उठता उसका जवाब कुरान सुन्नत और सहाबा के आसार से दे देते, और उसके साथ अकली दलाइल भी जो कुरान और सुन्नत की ताईद में आए अकली दलाइल भी देते थे। यह मुहद्दिसीन का मनहज था, कुरान सुन्नत सहाबा और ताबीन के आसार अकवाल और उसके साथ अकली दलाइल जो इन हकीकतों की ताईद करें जो कुरान और सुन्नत में आए, यह सही मनहज था। फलासफा के जवाब में इन्होंने जो है कौन, ये जो मोतजिला हुए उनसे जहमिया मोतजिला और उनके बाद अशायरा और मातुरीदिया, इन्होंने क्या तरीका अपनाया? इन्होंने अकली इस्तिदलाल का रद सिर्फ अकली इस्तिदलाल से करना शुरू किया। तो ये मसला कि उन्होंने किस हद तक कामयाबी से दिफा किया ये खुद अपनी जगह पे एक मसला है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि ये इस्लाम को नुकसान पहुंचा बैठे और इस्लाम को ऐसा नुकसान पहुंचाए कि आज तक ये गलत मनहज इस उम्मत के अंदर मौजूद है।
یہ غلط منہج آج تک امت کے اندر موجود ہے، معتزلہ کی فکر، معتزلہ کی سوچ. میں میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید کافی ہے اس نشست کے لیے، مغرب کے بعد اس کو مکمل کر لیں گے. تھوڑا سا کیا کہتے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے ذرا سا جو ہے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. آپ سے نہیں، مجھے اس سے چاہیے. نہیں دیکھیے، اصل میں ایک بات میں آپ کو بہت صاف بتاتا ہوں، زیادہ پڑھنا اچھی چیز نہیں ہے. جو پڑھتے ہیں وہ ہضم ہونا چاہیے، جو پڑھ رہے ہیں وہ ہضم ہونا چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا لوڈ، تو پھر اس کو جو ہے ختم ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ چلیں جاری رکھیں، مشکل تو نہیں نا آپ کو؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، الحمد للہ. ٹھیک ہے، اچھا آپ کہہ رہے ہیں ادھر سے بھی آواز دیں. جی 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 نہیں، ضروری نہیں بریلی، ضروری نہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، سب ہیں، بہت سارے ہیں، بہت سارے. ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دیکھیے ایک مسئلہ بہت آسانی سے میں بتاتا ہوں، اب وہ چھوڑ دیں. اب یہاں مشکل یہ ہوتی ہے کہ بریلوی، دیوبندی، فلاں بولیں گے تو لوگوں کا دماغ جو ہے مسئلے سے زیادہ جماعتوں میں لگا رہتا ہے. تو ہم اس پہ بعد میں بات کر لیں، ہم مسئلے کو سمجھ لیں گے، باقی اس کے بعد جزئیات، تفصیلات وغیرہ سب ہوتی رہیں گی، میں بتاتا ہوں. دیکھیے اب یہ مسئلہ کیا ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اس کے نتیجے میں کچھ ضابطے بنے. ضابطے کیا بنے پتا ہے آپ کو؟ ضابطہ یہ بنا کہ کوئی بھی مسئلہ اگر آتا ہے، قرآن اور سنت کا کوئی بھی مسئلہ اگر آتا ہے، تو پھر عقل سے اگر ٹکراتا ہے تو عقل حاکم ہے، قرآن و سنت محکوم ہیں. ضابطے اب معتزلہ نے جو ضابطے بنائے، دیکھیے میں آپ کو کچھ ضابطے، اب معتزلہ کے کچھ ضابطے بتاتا ہوں. بات ہو رہی ہے معتزلہ نے کام شروع کس چیز سے کیا؟ اسلام کے دفاع کے لیے کیا، اسلام کی تبلیغ کے لیے کیا، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے لیے کیا. ایک تو محدثین کا طریقہ تھا، محدثین کے طریقے پر ہم بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ صحیح منہج پر تھے. میں آپ کو مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ دعوت کا کام، دین کی خدمت کا کام آپ غلط منہج سے کریں گے، فائدے سے زیادہ نقصان پہنچائیں گے آپ دین کو. اس کی میں مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. یہ معتزلہ ہیں، ان سے پہلے جہمیہ، انہوں نے کیا کیا؟ عقلی اصولوں پر چل کر دین کا دفاع کرنا چاہا، تو جو دفاع کیا فلاسفہ پہ رد کیا، وہ خود دیکھا جائے بعد میں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہ دیکھیں آپ کہ انہوں نے دین کے نام پر کتنا بڑا بکھیڑا کھڑا کیا. ضابطہ انہوں نے بنایا، کہا کہ عقل کی دلالت قطعی ہے. کہتے ہیں دلالت العقل قطعیہ، عقل کی دلالت قطعی ہے. مطلب یہ ہے کہ عقل کی، یعنی عقلانی اصولوں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یقینی ہے، وہ یقینی ہے. دلالت العقل قطعیہ. اب دلالت النقل، نقل کہتے ہیں قرآن اور سنت کو. تو قرآن و سنت کے بارے میں وہ کہتے ہیں قرآن و سنت ظنی ہیں. ظنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی عقل سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ بات ناقابل تردید ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. قرآن اور سنت کی بات جہاں تک آتی ہے، کہتے ہیں قرآن قطعی ثبوت ہے، یعنی قرآن کا ثابت ہونا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ قطعی ہے، متواتر، تواتر کے ساتھ آئی ہے. اور ایسے ہی حدیث، اگر حدیث متواتر ہے تو اس کا ثبوت بھی قطعی ہے، یعنی قطعاً ہم کہ یقینی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے اللہ کے نبی سے. لیکن اگر حدیث غیر متواتر احاد ہے تو یہ ظنی ہے، یعنی یہ واقعتاً اللہ کی بات ہے، نبی کی بات ہے، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. یہ اصول انہوں نے ایجاد کیا. اب آپ دیکھیں یہاں بڑی اہم بات ہے، یہ میں نے اسی لیے کہا نا کہ آپ کے مجھے آپ کی چستی چاہیے، مجھے آپ کی توجہ جو ہے پوری چستی کے ساتھ چاہیے، اس لیے کہ بڑی اہم مسئلے پر ہم رکے ہیں یہاں آ کر. کہتے ہیں کہ جو ہے قرآن قطعی ثبوت ہے، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، یہ ثابت ہے قطعاً، یقینی طور پر ثابت ہے. حدیث اگر متواتر ہے تو یہ نبی کی بات ہے، یہ قطعی ثبوت ہے، قطعاً یقینی طور پر ثابت ہے. لیکن قرآن اور سنت کا جو معنی ہم سمجھ رہے ہیں یہی اللہ کی مراد ہے، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. اس لیے قرآن اور سنت کی دلالت ظنی ہے. ظن کہتے ہیں یقین سے کم درجے کو، یقین سے کم تر درجے کو. تو اصول یہ بنایا کہ عقل کی دلالت قطعی ہے، نقل یعنی قرآن اور سنت جو نقل کیے جاتے ہیں، منقول
قرآن و سنت نقل کی دلالت, دلالت ثبوت نہیں, ثبوت میں تفصیل کرتے ہیں, لیکن دلالت چاہے قرآن کی ہو, دلالت چاہے سنت کی ہو, متواتر اور احاد دونوں کی دلالت, یہ ظنی ہے. یعنی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہی معنی مراد ہے اس کی. جو معنی ہم سمجھ رہے ہیں وہی معنی قرآن کی مراد ہے, وہی معنی حدیث کی مراد ہے, ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے, یہ ظنی ہے. اب ضابطے بنا لیے یہ. اب اس کے بعد کہتے ہیں, اب اگر قرآن و سنت میں آئے ہوئے کسی مسئلے میں اور عقل سے ثابت شدہ کسی حقیقت میں ٹکراؤ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں عقل کو ترجیح دینی چاہیے, نقل کو پیچھے رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قطعی ہے ظنی ہے, اور قطعی اور ظنی یعنی یقینی اور ظنی میں ہو تو طاقت کس میں زیادہ ہے؟ قطعی میں, یقینی طور پر. تو کہا جو بات عقل سے ثابت ہوتی ہے, جو بات عقل سے ثابت ہوتی ہے وہ بات زیادہ پاورفل ہوتی, یعنی زیادہ جو یقینی ہوتی ہے, اور اس کے مقابلے میں قرآن و سنت, قرآن و سنت کی عظمت اپنی جگہ, لیکن جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ ظنی ہے, زیادہ سے زیادہ ظن کے درجے تک پہنچ سکتی, وہ یقینی نہیں ہے, اس لیے ہم اس کی بات کو نہیں لیں گے. اسی کے نتیجے میں یہ اصول باقاعدہ وجود میں آیا, اور یہ پورا منہج ہے, یہ پورا منہج ہے, پوری تاریخ اسلام میں اس منہج نے جتنی تباہی مچائی ہے دین کو بگاڑنے, دین کی تاویل کرنے, دین کے معانی و مفاہیم کو بدلنے میں, کوئی اور منہج نہیں. وہ کیا تھا پتا ہے آپ کو؟ وہ کہتے تھے یہی کہ عقل اصل ہے, عقل اصل ہے, نقل اس کے تابع ہے. اگر کوئی بات عقلی طور پہ ثابت ہوتی ہے اور قرآن و سنت سے اس کی تائید ہوتی ہے تو ہم عقلی دلیل بھی دیں گے, قرآن و سنت سے کا بھی حوالہ دیں گے, اور اگر کوئی بات عقل سے ثابت ہوتی ہے, نقل اس کے خلاف نظر آتی ہے, عقل کو نہیں چھوڑیں گے, وہی حقیقت ہوگی, نقل کی ہم تاویل کر دیں گے, اس کا معنی کچھ اور ہم نکال لیں گے, اس طرح کہ وہ معنی عقل کے مطابق ہو جائے. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک لفظ میں آپ کو میں بتا دوں, انسان اللہ کا بندہ نہ ہو کر اپنی عقل کا بندہ بن گیا ہے. ایک لفظ ہے. اب بندہ جو ہے اللہ کا بندہ نہیں, قرآن و سنت کا بندہ نہیں ہے یہ, یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کی بندگی کرنے والا نہیں, یہ عقل کا پجاری ہو گیا, عقل کا. اور آج آپ یہ دیکھ لیجئے, علماء جب کسی مسئلے پہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ روایتی مولوی ہے, یہ روایتی مولوی ہے. روایتی مولوی کا مطلب یہ کہ یہ قرآن اور سنت کی صرف بات کرتا, اس سے زیادہ نہیں. اس کے مقابلے میں فلاں وہ انٹلیکچوئل ہیں, وہ جو ہے بہت بڑے مفکر ہیں, وہ جو ہے نئے ذہن کو سامنے رکھ کر بولتے ہیں, وہ نئے ذہن کا خیال رکھتے ہیں, وہ دین کی ایک ایسی تفسیر کرتے ہیں کہ نئے زمانے کو بالکل جو ہے مطمئن کر دیتے ہیں. جو قرآن و سنت کی باتیں اس کے خلاف جا رہا ہے آدمی, کتنی تفسیرات, کتنی تشریحات اس کے خلاف, اس سے کسی کو کچھ لینا دینا نہیں. آپ یاد رکھیں یہ جو منہج انہوں نے کیا. اب آپ دیکھیے, میں آپ کو جو ہے پورا کا پورا معاملہ سمیٹتا ہوں, یہ جو مثال پہلی مثال میں دینا چاہ رہا تھا اس کو سمیٹتا ہوں. جہمیہ اور معتزلہ کون تھے؟ اصل میں مسلمان تھے, یعنی یوں سمجھیے کہ وہ مسلمانوں میں سے تھے پہلے, ٹھیک ہے. انہوں نے کیا چاہا؟ یہ فلسفے کے نام پر جو دین پر یلغار ہوئی ہے اور لوگ دین قبول کرنے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں, یہ شبہات اگر اسلام پر قائم رہے تو لوگ دین نہیں قبول کریں گے نا, تو یہ دین کی خدمت ہے اور یہ بھی ایک دعوت ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے. یہاں تک ان کا کام دعوت تھا کہ نہیں تھا؟ یہاں تک بالکل صحیح تھا, اس سے کوئی آپ کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن منہج انہوں نے کون سا اپنایا؟ محدثین نے اپنایا قرآن سنت صحابہ کے آثار, اور اس کی تائید میں جو عقلی دلائل اس کے مطابق آتے ہیں وہ دلائل دے کر انہوں نے مسئلے کو سنبھالا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نیا منہج ایجاد کیا عقل پرستی کا, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ دوسروں کو مطمئن کرتے کہ نہیں کرتے, دوسروں کے شبہات کا جواب دیتے کہ نہیں دیتے, ایک ایسی بنیاد رکھی کہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے مسئلہ ہوا کہ بندگی اللہ کی نہ ہو کر عقل کی ہو گئی. بندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں, اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مقابلے میں عقل کی روشنی میں. اب یہاں سب سے بڑا مسئلہ آپ کو میں اگر بتانا چاہوں, دو بڑی اہم باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, یہ لوگ عقل کی بات کرتے ہیں نا, کس کی عقل؟
आपको मालूम है अकल कुल कहां है? इंसानों में से। अकल कुल तो छोड़ दीजिए, वो ऊपर की बात है, अब उसमें नहीं जाएंगे। इंसानों में से हम किसकी अकल के मुताबिक फैसला करेंगे? नहीं ना, वो तो नहीं मानते ना। हम बात कर रहे हैं मोतजिला और खवारे, मोतजिला और जहमिया की या फलासिफा की। अब अकल को असल मान रहे हैं, किसकी अकल के मुताबिक फैसला करेंगे? अगर आप पढ़कर देखेंगे तो पता चलेगा खुद वो आपस में मुत्तफिक नहीं। ये भी अकल परस्ती का एक बड़ा आलिम है, वो भी जो है अकलानियन में से बड़ा आलिम। तीसरा ये कहता है ये नामुमकिन है, अकलन ये नामुमकिन है। दूसरा कहता है बिल्कुल मुमकिन है। कौन सही है, किसकी अकल में फैसला करेंगे? ऐसे इख्तिलाफात उनके दरमियान में हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आप में से जो तलबा हैं, जो पढ़ते हैं, पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, मैं उनको दावत देता हूं, अल अकीदतु तहाविया की शरह है, शरह अल अकीदतु तहाविया, इब्न अबिलीज अल हनफी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने शरह की है। उसमें उन्होंने मिसालें नकल की। वक्त मेरे पास अगर होता तो मैं सारी मिसालें आपके सामने नकल करता कि ये जो अकल परस्ती का जो मिजाज इन्होंने पैदा किया, इसकी वजह से दीन की खिदमत नहीं हुई। ऐसा नहीं कि लोग दीन पर मुतमईन हो गए जैसे लोग बताते हैं, नहीं। आज लोग कहते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल्स हैं बहुत सारे। आज ये हकीकत आज भी आप देख सकते हैं कि नए जमाने में जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी, तो आप देखें दीन की एक बात को ये सही कहता है तो दूसरा इंटेलेक्चुअल जो है वो कहता है कि नहीं वो बात गलत है। फैसला कौन करेगा? आप कहेंगे कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत तो नहीं फैसला करते, इसलिए कि कुरान और सुन्नत ताबे हैं अकल के। सवाल यह है कि किसकी अकल के? पहले वाले की अकल के कि दूसरे वाले की अकल के? एक तो यह मसला है। मुख्तसर अल्फाज में यूं कहिए कि गलत मनहज पर चलकर दीन की खिदमत अगर कोई करना चाहता है वो दीन का नुकसान करेगा, फायदा कम करेगा या नहीं करेगा। इसीलिए दावत इल्लाह के मैदान में भी आप अगर काम करना चाहते हैं तो आपको यह हकीकत याद रखना चाहिए कि आप सही मनहज पर चलकर काम करेंगे तभी आप दावत के नाम पे दीन की खिदमत करेंगे, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपनी जगह मस्त होंगे कि मैं खिदमत कर रहा हूं, लेकिन आप दीन के बहुत सारे मसाइल को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे होंगे। आइए मैं आपके सामने इख्तिसाम करता हूं इस मसले का, एक बड़े अहम मसले के तज़किरे से। शेख़ुल इस्लाम इबन तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानी अक्ल के सिलसिले में बड़ी प्यारी बात कही, बड़ी प्यारी बात कही। ये जो कहते हैं फलासिफा कहते हैं कि इंसानी अक्ल असल है, शेख़ुल इस्लाम इबन तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अक्ल का जो मामला है इसमें तीन तबकात उम्मत में हुए। एक तबका इफराद की तरफ गया, दूसरा तबका तफरीद की तरफ गया, तीसरा तबका था जो दरमियान में बाकी रहा, हक पर और हकीकत पर बाकी रहा। यानी इंसान की अक्ल का दर्जा क्या है? क्या इंसान ईमान और अकीदे की सारी बातें और जिंदगी के सारे मसाइल महज अपनी अक्ल की बुनियाद पर हल कर सकता है, या फिर ये कि नहीं अक्ल को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, आंख बंद करके सिर्फ जो कहा गया मान लेना चाहिए? इस सिलसिले में शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि लोग इसमें उम्मत के उम्मत मुहम्मदिया में तीन हिस्सों में बढ़ गए। एक तबका इफराद की तरफ गया, वो कौन? यही मोतजिला, यही जहमिया और उनसे पहले फलासिफा। वो क्या कहते थे? अक्ल ही को असल मानते थे, यहां तक के कुरान और सुन्नत को अक्ल के ताबे कर दिया कि अक्ल जिसको माने वही दीन, अक्ल ना माने अक्ल की बात को नहीं टाल सकते लेकिन दीन की बात को बदल देंगे, दीन की बात की कोई ऐसी तावील कर देंगे, ऐसी तफसीर कर देंगे कि फिर आदमी को जो है पता भी नहीं चलेगा कि दीन असल में था क्या। ये जो है इफरात वाले लोग हैं। तफरीत वाले लोग कौन थे? तफरीत वाले लोग कौन थे? अगर आप ये देखना चाहें तफरीत वाले लोग वो हैं जो सूफिया में से गाली किस्म के सूफी थे। वो ये कहते थे कि अक्ल अल्लाह ताला की बंदगी की राह में रुकावट है, अक्ल जो है वो अल्लाह की बंदगी की राह में रुकावट है। आप अगर अल्लाह की बंदगी करना चाहते हैं इश्क की बुनियाद पे कीजिए, और इश्क और अक्ल एक दूसरे के दुश्मन हैं। इश्क और अक्ल एक दूसरे के दुश्मन है। अल्लाह की बंदगी इश्क की बुनियाद पे होती है, मोहब्बत की बुनियाद पे होती है, और मोहब्बत अंधी होती है। अक्ल अगर आएगी तो बंदगी इसकी राह से इंसान भटक जाएगा। इसलिए आदमी को अक्ल को दीन के मामले में अक्ल को नहीं लाना चाहिए, सरे से दीन के मामले में अक्ल किनारे रखकर मोहब्बत इश्क और सिर्फ इश्क की बुनियाद पर चलना चाहिए। सूफिया में से गाली किस्म के जो सूफिया हुए उनका था। ये जो तफरीत वाले हैं, शेख़ुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि
कि न वो सही थे न ये सही हैं, सही कौन थे? अहले सुन्नत वल जमात थे जो ये कहते थे कि अक्ल इंसान के मुकल्लफ होने का दारोमदार अक्ल पर है, बगैर अक्ल के इंसान शरीयत का भी मुकल्लफ नहीं होता, बगैर अक्ल के इंसान शरीयत का मुकल्लफ नहीं होता, अक्ल ही के जरिए इंसान ये सब कुछ सीखता है, जानता है, मानता है, अक्ल ही के जरिए समझकर अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करता है, पढ़ता है, सीखता है। तो इंसानी अक्ल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये समझना कि अक्ल अल्लाह की राह में रुकावट है ये गलत है। ये जो गाली किस्म के सूफिया के पास तसव्वुर है कि अक्ल दीन के राह में रुकावट है ये गलत है। अल्लाह ने तो अल्लाह के नबी ने कहा रुफ़िया अल-क़लम अन सलासा, तीन किस्म के लोगों पर से कलम उठा लिया जाए, कौन? सोया हुआ आदमी यहां तक के बेदार हो जाए, बच्चा बालिग हो जाए, और तीसरा जी बेहोश आदमी होश में आ जाए। तो ये जो माफ कीजिए बेहोश नहीं, नींद, नींद और बेहोश का मामला एक है। पागल आदमी यहां तक कि उसका दिमागी तवाजुन सही हो जाए। आप देखें इन तीनों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बयान की कि इंसान मुकल्लफ ही होता है अक्ल की बुनियाद पर। अब अक्ल ही को छोड़ देगा आदमी तो दीन का मुकल्लफ कहां रहेगा? तो कहा अक्ल जरूरी है इंसानी जिंदगी में, ईमानी जिंदगी में अक्ल जरूरी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने लअल्लकुम तअक्लून कहा कुरान में, शायद कि तुम समझो, लिकौमी यअक्लून का कुरान में या इन मिसालों में इन बातों में निशानियां, यअक्लून समझने वालों के लिए निशानियां कहा अल्लाह ने, इसलिए कि अक्ल पर ही इंसान के दीन का भी दारोमदार है कि उसी की बुनियाद पर मुकल्लफ होता है। लेकिन अक्ल की भी एक हद है, उस हद में इंसान को रुकना चाहिए। कैसे? शेख इस्लाम ने तैमिया ने कहा कि अक्ल क्या है? अल्लाह ताला की दी हुई कुव्वत है, अल्लाह ताला की दी हुई ये कुव्वत है। जैसे बसारत है देखने की कुव्वत, उसकी एक हद है कि नहीं है? आप कितनी दूर तक देख सकते हैं, कितनी दूर तक देख सकते हैं, एक हद है। आपकी समाअत है, एक कुव्वत है आपके जिस्म में अल्लाह की दी हुई, कितनी दूर तक की बात सुन सकते, एक लिमिट है। आपकी अपनी जो भी कुव्वतें अल्लाह ने दी हैं आपकी एक लिमिट है, आपकी आवाज है, आपकी आवाज कहां तक पहुंचती है, एक लिमिट है। इंसानी कुव्वतों की एक लिमिट अल्लाह ताला ने दी है। वैसे ही इंसान को यह समझना चाहिए कि इंसानी अक्ल अल्लाह ने दी है इंसान को, लेकिन इंसान की अकली कुव्वत भी महदूद है, उसकी एक लिमिट है। लिमिट से बाहर जाकर आप अक्ल इस्तेमाल करना चाहें, आप अपनी हद नजर से आगे देखना चाहें तो दिखाई नहीं देता, आप अपनी समाज की हद से दूर की आवाज सुनना चाहें सुनाई नहीं देता, आप अपनी आवाज अपनी हद से आगे पहुंचाना चाहें पहुंच नहीं सकते। इंसानी अक्ल को भी उसकी हद और लिमिट से बाहर इस्तेमाल करना चाहें तो वो आपकी सही रहनुमाई नहीं कर सकती। उसकी मिसाल हमारे बाज़ असातिज़ा यूं देते थे, कहते थे रिमोट जो भी होता है किसी भी चीज का रिमोट, उसका एक दायरा होता है, डिस्टेंस होता है, मान लीजिए 20 मीटर 30 मीटर की उसकी एक लिमिट देते हैं। उस लिमिट में आप रिमोट का इस्तेमाल कीजिए, रिजल्ट बराबर आता रहेगा। लिमिट से थोड़ा दो कदम पीछे जाके इस्तेमाल कीजिए तो क्या होगा, या तो रिजल्ट नहीं आएगा, या आएगा तो बटाएंगे, बटन दबाएंगे कोई, आएगा कुछ और, सिस्टम गड़बड़ाता है कि नहीं गड़बड़ा। हाँ, इंसानी अकल का मामला भी यही है। इसीलिए शेख अल-इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह समझाते हुए कहते हैं कि अकल इंसान के मुकल्लफ होने का दारोमदार अकल पर है, लेकिन जिस तरह इंसान आंखों की बसारत पूरी हो, उसकी मुकम्मल हो, यानी आंखों की कुव्वत देखने की कुव्वत आदमी के अंदर पूरी हो लेकिन बाहर अंधेरा हो, सूरज की रोशनी नहीं है या चरागों की रोशनी नहीं है, तो क्या किसी चीज को इंसान देख सकता है? बसारत में कमजोरी नहीं है, बसारत पूरी है, कंप्लीट एकदम। इंसान की बसारत जो है कुव्वत बसारत, जिसे देखने की ताकत पूरी है, कोई आयब नहीं, कमजोरी नहीं, चश्मा नहीं, कुछ नहीं, मुकम्मल बसारत की कुव्वत रखने वाला। बाहर से अगर अंधेरा हो, सूरज की रोशनी ना हो या चरागों की लाइटों की रोशनी ना हो, तो आदमी चीजों को देख सकता है। बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो, अंधेरे गार में आप चले जाएं, आप कुछ देख सकते हैं? आपकी बसारत हालांकि मुकम्मल है लेकिन फिर भी आप नहीं देख सकते। शेख अल-इस्लाम ने तैमिया कहते हैं इंसानी अकल का मामला भी ऐसा ही है कि इंसानी अकल कितनी ही बाकमाल क्यों ना हो, जब तक नूरे शरीयत नूरे किताबो सुन्नत उसे हासिल ना हो, वो शरई हकायक को सही तरीके से देख
नहीं सकता। कितनी प्यारी बात और कितने आसानी से समझा दी है। यानी आदमी कितना ही अकलमंद क्यों ना हो, कितनी ही आला अकल का मालिक क्यों ना हो, अगर उसने कुरान और सुन्नत से रोशनी नहीं ली, अब फिर यहां दोहराऊंगा, कुरान और सुन्नत से मुराद अल्फाज नहीं, कुरान और सुन्नत से मुराद अल्फाज के साथ उनका माना और मफहूम भी, अगर वो नहीं लेता है तो फिर इंसानी अकल जैसे अंधेरे में आंख देख नहीं सकती, वैसे इंसानी अकल शरई हकायक को सही तरीके से पहचान नहीं सकती। मुहद्दिसीन ने यही काम किया, मुहद्दिसीन किराम ने यही काम किया, कुरान और सुन्नत को और सहाबा के आसार को बुनियाद बनाया। ये नूर किताब सुन्नत है, ये सूरज की रोशनी के मानिंद, चराग की रोशनी के मानिंद है, जो आंखों की बसारत की को तकवीयत देती है। बिल्कुल ऐसे ही इंसानी अकल के साथ, इंसानी अकल के साथ किताब सुन्नत की तालीमात की रोशनी अगर जुड़ती है तो फिर सही नतीजे तक पहुंचता है। मुहद्दिसीन ने इसी मनहज को अपनाया तो दीन की खिदमत भी की और दीन में किसी किस्म का कोई फितना और फसाद पैदा होने नहीं दिया। लेकिन अब इस मनहज से हटकर मोतजिला ने खिदमत करने की कोशिश की तो क्या हुआ, दीन की खिदमत से ज्यादा दीन का नुकसान किया, और रहती दुनिया तक यह जाबिता दुनिया के सामने दे दिया कि इंसानी अकल असल है, कुरान और सुन्नत उसके ताबे हैं। आज आप देख लीजिए हर आदमी, और मुझे इस लफ्ज के लिए माफ करें, किसी की तौहीन नहीं है, हमने किसी एक तकरीर में मैंने कह दिया कि मुसीबत यह है कि आज सब्जी बेचने वाला, प्याज और लहसुन बेचने वाला इंसान भी जो है दीन को अपनी अकल पे तोल कर बोलता है। तो कुछ लोग नाराज हो गए कि शेख ने जो है वो प्याज और लहसुन बेचने वालों को हकीर करार दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हलाल रोजी आप जो है मेहनत से कमाते हैं, हर पेशा मोहतरम है जब तक हलाल है। लेकिन प्याज लहसुन कहने का मतलब यह है कि दीन को समझने समझाने के लिए इल्म चाहिए। आपका कारोबार सब्जी फरोशी है तो आप जाके दीन अपनी अकल पे तोलेंगे, ये बताना मकसद था। आज ये मसला है कि मोतजिला ने ये जो उसूल दिया कि अकल असल है, कुरान और सुन्नत अकल के ताबे हैं, अगर कुरान और सुन्नत अकल पे उतरे तो कबूल करेंगे, वरना कुरान और सुन्नत की तावील करेंगे, इस चीज ने फितनों का ऐसा दरवाजा खोला है। हर ऐरा गैरा नथु खैरा दीन पर मेहनत करता है, नई नई तफसीरात, नए नए मतलब, नए नए, आपको कितने चाहिए, यूट्यूब पर चले जाएं, थोक के भाव मिलते हैं ऐसे मुफक्किरीन, ऐसे बोलने वाले जो इसी बुनियादी उसूल पे चलते हैं, यानी दीन की खिदमत करने के नाम पे बुनियादी सही मनहज के बजाय गलत मनहज की बुनियाद पर दीन की दावत और तबलीग तफहीम वगैरह, कुरान की तफसीर करना चाहते हैं, दीन समझाना चाहते हैं, सब कुछ करते हैं। समझ में आ रही बात आपके? तो ये पहली एक मिसाल है तारीख इस्लाम से, और मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने जो है हिम्मत दिखाई, साथ दिया, मगरिब से पहले मैं इसे समेटने में कामयाब हो गया। पहली मिसाल है इस बात की कि सही मनहज पर रहकर अगर आप खिदमत करेंगे, मुहद्दिसीन ने सही मनहज पर रहकर खिदमत की तो क्या हुआ, वो फितने का मुकाबला भी करने में कामयाब हुए और दीन को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन वही मोतजिला ने किया तो क्या हुआ, वो दीन की खिदमत क्या करते लेकिन नुकसान जरूर, और ऐसा नुकसान पहुंचाया कि आज दीन की खिदमत करने वाले ऐसे बहुत सारे जो दीन का नुकसान ही कर रहे हैं। तो इससे जो बात समझ में आती है वो ये कि बातिल मनाहिज की हकीकत, बातिल मनाहिज की पहचान और दावत दीन से उनका ताल्लुक क्या है, यह मसला हमारी समझ में आता है। बात वाज़ह है इंशाअल्लाह।